चार्थेषु विज्ञसुराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारे मृदां यदा विनमयो यत्रत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोहकम् सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये हे देव हे दयति हे भुवनैकबन्धु हे कृष्ण हे चपल हे करुणैकसिन्धु
हे नाथ हे रमण हे नैनाभिरामम् आहा कदानुभवतास्मि यदं द्रशोर्मे। नमस्ते भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्य विहारिणे। राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा वजे। देयं सदा परिभवग्नवैष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं वेन चराचरं तत्पदं दर्शितं वेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाजगन्धस्य शेषम्। श्री राधा मेरे स्वामिनी मे राधे तिरुदास जनम जनम मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार अब वृषवान की लाडली ने गमेरी ओर निहार। वर्षाने की राधिका नंद गाम के श्याम इनके चरणन में करू मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णम नारायण वंदे कृष्ण वंदे व्रज प्रियम कृष्णम द्वैपायन वंदे कृष्ण वंदे व्रजासुतम। सभी उपस्थित भक्त वृंद मातृशक्ति माताएं बहन आइए अपने अपने आराध्य के हाथ जोड़ेंगे। सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए प्रार्थना, उसके बाद हम और आप सभी भगवान के सब पावन श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कर जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं उन सभी को नष्ट करेंगे। ईश्वर सब सुखी कोई न दुखारी सब हानि रोग भगवान धन धान के भंडारी सब वद्रवाब देखे सज मार्ग के पथित हो दुखिया कोई रोवे सृष्टि में प्राण धारी।
की भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सो भागे। श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उपरांत में परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता वास्तुदेवता ग्रामीण देवता नगर देवता इन सबको बार बार प्रणाम, ये भी अपना आशीर्वाद ग्रहण प्रदान करें और अपना स्थान ग्रहण करें। ब्राह्मण देवता संत वृंद और पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। सभी प्यार से बोलेंगे एक बार, प्यार से बोले हैं। एक प्रार्थना है, जिन बाल गोपालों को आप अपने साथ में लाते हो अपने पास ही बिठाल के रखें, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि उन तक भी ये भगवान की कथा पूर्णतः जानी चाहिए। तो मेरा निवेदन स्वीकार करें, अपने अपने बाल गोपालों को बैठा लें अपने साथ में, प्लस जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं वो अपने पैरों में से अपने स्मरण करें। उसके बाद हम और आप सब मिलकर गाएंगे और प्रभु की कथा में ध्यान लगाएंगे। मेरे पास हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। सब मिलकर आनंद के साथ प्रभु के चरणों में जाएंगे तो उन्हीं से उपाय पूछ लिया जाए, ज्यादा बढ़िया है ना, और वो ज्यादा अच्छा बता सकेंगे हमें। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, आ
मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। श्री राम ज्ञान हूँ मैं भगवन, ना जान कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, नादान हूँ मैं भगवन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। अवगुण भरा हृदय,
सद्गुरुदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। युगल सरकार की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या गौ माता की सेवा हो। गौ माता की सेवा हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। शांतिः शांतिः शांतिः। सभी एक बार प्यार से बोलिएगा। अरे जरा दिल लगा के बोलिएगा। आज द्वितीय दिवस है भगवान की इस पावन कथा का, जिस कथा में विराजमान होकर हम अपने हृदय को शांति के मार्ग पर ले जाने की कोशिश करते हैं, सत्य के मार्ग पर ले जाने की कोशिश करते हैं। जिस भागवत में हमें सिखाया जाता है सत्यम परम धीमहि। भागवत धर्म क्या है, जीवन धर्म क्या है? जीवन का धर्म है भागवत धर्म, और भागवत धर्म का मतलब कि हमें सभी को भगवान की तरफ सत्यता के साथ बढ़ना चाहिए। जीवन में जब तक आपके जीवन में सत्य नहीं होगा, जब तक आपके जीवन में धर्म नहीं होगा, तब तक आप अपने जीवन में न्याय नहीं कर रहे अपने साथ, आप अन्याय कर रहे हैं। अवगुण भरा हृदय ये मैं मुक्ति कैसे पाऊं, अवगुणों की खान है मेरा जीवन। अवगुणों से भरा पड़ा है मेरा जीवन,
मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में गुण आए, मैं चाहता हूं कि मैं आपके लायक बनूं, लेकिन मुझे वो रास्ता नहीं पता, मुझे वो मार्ग नहीं पता जिस मार्ग पर चलकर जीव आपको पा लेते हैं। मुझे वो मार्ग कोई बता दे जिस मार्ग पर चलकर मैं आप तक पहुंच जाऊं, मैं आपको पा लूं, मैं आपका दर्शन कर लूं, मैं आपका दीदार कर लूं एक बार। वही भागवत धर्म है। भागवत धर्म में ये सिखाया जा रहा है, सत्यम परम धीमहि। जीवन में सत्य का होना परम अनिवार्य है। जब आपके जीवन में सत्य होता है तो सत्य स्वरूप श्री कृष्ण आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको मिलने में उन्हें एक क्षण भी हिचक नहीं होती। वो आपसे मिल लेते हैं, तुरंत मिलने के लिए तैयार होते हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। माला बनाई काठ की, बाह में डाला सूत, माला बिचारी का करे जब फेरन वाला कपूत है। जब समझ में आ जाए तब बजा लेना, अभी जल्दबाजी नहीं है, आराम से। माला बिचारी का करे जब फेरन वाला कपूत। एक तरफ माला का भगवान का नाम माला से जपो और दूसरी तरफ उसी भगवान के नाम पर या उसी भगवान के काम पर व्यवधान पैदा करो, तो यही तो कपट है। जिसको हम लोग कहते हैं मुंह में राम है बगल में का, पहले होती थी छुरी, अब छुरी नहीं होती है, अब तो पूरा छुरा होता है। पहले होती थी छुरी, अब काम छुरा करते हैं। अपने आप को धर्मात्मा कहने वाले लोग, भगवान के नाम की माला जपने वाले लोग अगर किसी को धर्म करने से रोकें अथवा धर्म से जुड़े हुए लोगों की निंदा करें, वही लोग तो पाखंडी है, वही लोग तो दिखावा करते हैं जो मेरे ठाकुर को पसंद नहीं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने जिन लोगों के लिए कहा वो वही तो हैं। अरे सीधे सीधे चले जाओ सच्चाई के मार्ग पर, ठाकुर जी बंसी बजाते मिलेंगे। ये क्यों नहीं समझ में आता है? आज हम सबके मन में सबसे ज्यादा संदेह धर्म पर होता है। क्यों? आप मदिरा पे संदेह नहीं करते, आप मूवी थिएटरों पर संदेह नहीं करते, आप जुआले पे जाके संदेह नहीं करते, आप और दो चार दस गंदी जगहों पर संदेह नहीं करते। आपका संदेह ही पैदा होता है धर्म पर। ऐसा क्यों? क्योंकि धर्मात्मा को पाप पे संदेह होता है और पापी को धर्म पर संदेह होता है। अगर मैं पापी हूं तो मुझे पाप पे संदेह होगा ही नहीं, बिकॉज आई एम एंजॉयड दैट थिंग, राइट? मुझे तो उसमें आनंद आता है, मैं क्यों संदेह करूंगा? और जो धर्मात्मा होते हैं उन्हें कभी धर्म पर संदेह नहीं होता, उन्हें तो पाप पे संदेह होता है। हे मेरे भाई बहन, अगर आप सभी को कृष्ण को पाना हो तो पाप पर संदेह कीजिएगा, कन्हैया पर संदेह मत कीजिएगा, गोपाल पर संदेह मत कीजिएगा। ब्रज में वो झाड़ू लगाई थी ना परसों, कल नहीं परसों, गोवर्धन में, तो वो अब आसार दिख रहा है गले में से। हमारी इच्छा हो रही है कि हम यहाँ पे भी सेवा करें गंगा मैया की, जैसे जमुना मैया की वृंदावन में करके आए हैं, वैसे यहाँ की भी इच्छा हो रही है हमारे मन में कि हम यहाँ पर भी एक दिन गंगा मैया के किसी घाट पर चलकर गंगा की सेवा करी की जाए।
का ताली बजा रहे हो, का हम अकेले करेंगे? हाँ, का समझे तुम गंदगी करो और हम सफाई? तुम्हार का हुई बबुआ, तुम्हार का हुई, तुमके भी आना पड़ी। कौन कौन चाहता है गंगा मैया की सेवा की जाए? कब नो फ्री हो, कब फ्री हो है? कब सुबह कितने बजे उठ जाते हो? चलो बताएंगे, लेकिन हमारी इच्छा है कि लोग सिर्फ बातों तक इसे सीमित न रखें। हमारी खुद की इच्छा है कि क्यों न हम लोग भी एक दिन गंगा में चलकर गंगा के घाट की सेवा की जाए और गंगा के घाट को स्वच्छ किया जाए। इच्छा है, और थोड़ा गला खराब कर लिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आइए एक बार बोलिएगा राधे राधे, और जोर से बोलेगा। कल आपने कथा श्रवण किया और उस श्रवण में आपने आनंद लिया और पता चला कि भागवत का महात्म्य क्या है, भागवत का महात्म्य क्या है, ये आपको पता चला। श्रीमद् भागवती ही वार्ता सुराणामपि दुर्लभः। देवो नाम दुर्लभ, देवताओं के लिए दुर्लभ है ये कथा, और हमें सुलभ है। पृथ्वी के लोगों के लिए सुलभ है और देवताओं के लिए दुर्लभ है। इसीलिए भगवान ने मानव को इसीलिए बनाया है कि जो देवताओं को भी नसीब ना हो सके वो इन मानवों को नसीब हो जाता है, इंसानों को नसीब हो जाता है। देवताओं को दुर्लभ है का? दो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के होय। पुत्र का होना बड़ी बात नहीं, दौलत का होना बड़ी बात नहीं। आए बोलिए, पटना में एक ही दौलतमंद है का? बोलिए, यहां कितने पैसे वाले बैठे हैं कथा में? कोई बैठे हैं 50 करोड़ के मालिक? जवाब दीजिएगा, है कोई? अरे यहां कौन सा कैमरा लग रहा है जो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे आपके यहां? नीचे कर ले, कोई भरोसा नहीं। बहुत कम लोग हैं जो पैसे वाले होकर भी मेरे ठाकुर से प्यार करने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा जवाब दीजिए, अभी इसी ग्राउंड में अगर हीरोइनियां आ गई होती कोई, नहीं मजाक नहीं, सच बोलिए, पैसे वाले यहां होते कि नहीं? बायकादा सोफे लगे होते, बायकादा बढ़िया बढ़िया सफेद ड्रेस पान मुख में, चश्मा ब्लैक वाला, आ लंबा चका चक, हुड़ दबंग दबंग दंग बंग का, आगे वाली रो में सब बैठे होते, सही न है? लेकिन ठाकुर जी की कथा में आने के लिए ये धड़कता है, नहीं जाना, डरता है, भयभीत होता है। लेकिन ये देखिए, कथा करवाने के लिए किसी दौलतमंद की नहीं, श्रद्धालु की जरूरत होती है मेरे बाबा। सिर्फ श्रद्धालु होना चाहिए जो कृष्ण के चरणों में समर्पित हो, जो कृष्ण पर फिदा हो, उस तन को ढूंढते हैं घर श्याम का हो जिसमें उस मन को ढूंढते हैं, घर श्याम का हो जिसमें उस मन को ढूंढते हैं।
मेरे कृष्ण को पाने के लिए तुम कितने अमीर हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम कितने समर्पित हो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभु की कथा श्रवण करना है तो हरि के चरणों में पूर्ण समर्पित होना पड़ेगा। मेरे भाई बहन, जो देवताओं को दुर्लभ नहीं है वो तो हमें मिली क्या, उसका क्या महत्व? जो देवताओं को दुर्लभ है वो हमें मिल रहा है। पुत्र का होना बड़ी बात नहीं, सब पर है। अरे इंसानों की बात छोड़िए, सुगर, गधे, हाथी, घोड़ा, चींटी, बिल्ली, बंदर, सबके औलाद होती है। तुम पे हो गई तो कौन सी बड़ी बात है। पत्नी का होना बड़ी बात नहीं है, तुम्हें तो फिर भी पत्नी की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, और योनियों में तो पत्नी की जिम्मेदारी भी नहीं निभानी, और पुत्र तो संतान तो स्त्री से ही होगा। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के होए, पापियों के घर में भी दौलत होती है, लेकिन दो चीज दुर्लभ है, संत समागम हरि कथा। इस कलकाल में जो सबसे ज्यादा मुश्किल है, जो अमीरों को, बहुत कम ऐसे अमीर हैं जिनको ये नसीब होती है, वो है एक तो प्रभु के संतों का मिलन और एक प्रभु की कथा का श्रवण। ये दो चीज बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और जिन लोगों को इस मानव जीवन में ये दोनों विषय मिल जाएं, हरि की कथा मिल जाए, संतों का दर्शन मिल जाए, तो समझ लेना कि उनसे बड़ा धनवान कोई नहीं पूरी दुनिया में, वो सबसे बड़े धनवान, सबसे ज्यादा धनवान है। ऐ भाई, आप लोग सोच रहे हो महाराज ऐसी लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, काय का धनवान है, पैसा है नहीं, काय धनवान? बोला बाबा हमको धनवान बोलते हैं, बाबा धनवान बोलते हैं। धनवान का मीनिंग क्या है? जो 15-20 साल धनवान रहे वो, कि जो लॉन्ग टर्म धनवान रहे वो? किसको धनवान कहेंगे? 10-20 साल रहे वो, या जो था, जो है, जो रहेगा वो? कौन सा ज्यादा धनवान है बोलिए, जो था, जो है और जो? ये जो नाम धन की कमाई है, धर्म की कमाई है, प्रभु की सेवा की कमाई है, अगर ना होती पहले तो तुम्हें यहां अब न मिलती, अभी हो रही है और यही तुम्हें आगे भी लेके जाएगी। मेरे पास ये जो धनवान लोग, नंगा पैदा नहीं हुआ था, सिल्क पहन के पैदा हुआ था। मरेगा तो 1000 की गड्डी पे मरेगा, चिता में था नहीं, रहेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ चंद समय के लिए है। तो बता, धनवान ये है कि तू है? जवाब दीजिए, कौन है धनवान? जो हरि की शरण में आ गया वो धनवान है, और जिसने हरि की शरण का परित्याग कर दिया उससे बड़ा कंगाल कोई नहीं, कोई भी कंगाल नहीं उससे बड़ा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। क्या बात करते हैं, जोर से और जोर से बोलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे हो, प्रभु की कृपा जब हो तब भागवत सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और देवताओं को ये कथा दुर्लभ है और आपके लिए ये कथा सुलभ है। आप खुश नसीब है, आप खुश नसीब है। भागवत महात्म के बाद कथाक्रम आगे बढ़ावे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में उदास बैठे हैं, और उदास श्री कृष्ण को देखकर सर्वेश्वरी श्री राधा ने पूछा, क्यों उदास हैं आप? तो श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के लोगों को देखकर, कलयुग के लोगों को देखकर मेरी उदासी बढ़ रही है। ये कलयुग के जो लोग हैं ना, ये नाना प्रकार के बुरे कर्म कर करके नाना प्रकार की योनियों में भटक रहे हैं, और जब ये कष्ट पाते हैं तो मुझे भी कष्ट होता है, मुझे भी तकलीफ होती है। मैं चाहता हूं कि इन सब का कल्याण हो जाए, लेकिन इनका कल्याण होगा कैसे? सर्वेश्वरी श्री राधा ने पूछा, आपने कोई उपाय सोचा है जिससे इनका कल्याण हो जाए? बोले हाँ, सोचा है। क्या सोचा है? जैसे
आपका बच्चा दुखी हो तो आप कभी चैन से नहीं बैठ सकते। आपके ऊपर कोई संकट ना हो, आपके ऊपर कोई मुसीबत ना हो, आपके ऊपर कोई अमंगलमय घटना न घटी हो, इसके बावजूद भी अगर आपका बेटा दुखी हो तो जरा कृपा करके बताइए, आप प्रसन्नता के साथ भोजन कर सकेंगे? दीजिए जवाब, जवाब चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसे मैंने जना है वो दुखी है, जिसको मैंने जन्म दिया है वो परेशान है, और उसकी परेशानी मेरी परेशानी की एक वजह है। मैं परेशान हूं इसके लिए यही पर्याप्त है कि वो मेरा पुत्र या मेरी पुत्री दुखी है। राइट या रॉन्ग? सही है ना? तो हमको और आपको किसने जन्म दिया? किसने जन्म दिया? भगवान ने। तो जब हम और आप दुखी होंगे, हम और आप जब रोएंगे, हम और आप जब नाना प्रकार की योनियों में कष्ट पाएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे? बोलिए। या तो हम अपने आप से बढ़िया भगवान को नहीं मानते, हम भगवान से बेटर अपने आप को मानते हैं, और अगर परमात्मा हमसे बेटर है तो तुमसे ज्यादा चिंता तुम्हारी परमात्मा को है, इसमें कोई दो राय नहीं। What is your contribution for your religion and for your society? Nothing. We are only on selfless. हम सब के सब स्वार्थी है, स्वार्थ से भरी हुई जिंदगी जीते हम लोग, और उस स्वार्थ में इतने गिर जाते हैं कि हम लोग अपना ही विनाश कर बैठते हैं, अपना नाश खुद ही ना हम करते हैं। हमारा नाश, हमारा बुरा हमसे ज्यादा किसी ने नहीं किया, हम ही ने किया है। किसी को दोष मत दीजिए, हम लोग दोष दे दें, हमारे डैडी ने ये कर दिया, हमारे चाचा ने ये कर दिया, हमारे देवर ने ये कर दिया, हमारे जेठ ने, ना ही कुछ नहीं किया, तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम पिछली बार ऐसा करके आए हो इनके साथ में, इसलिए तुम्हारे साथ ही हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण कहती है। रामायण पढ़े हो? रामायण सुने हो कि नहीं? काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। इस संसार में जो भी आपको नसीब होता है वो आपके कर्मों पर आधारित होकर होता है। आपने जो कर्म किए हैं वो फल आपको भोगना पड़ता है, इसलिए तुम्हारे सुख के वजह भी तुम हो और तुम्हारे दुख की वजह भी तुम हो। सुखी दुखी तुम्हें कोई नहीं कर सकता, सिर्फ तुम्हारा कर्म ही है। तुम्हारा कर्म तुम्हें लाचार करता है और तुम्हारा कर्म ही तुम्हें आनंदित करता है, प्रफुल्लित करता है। जैसे तुम अपने माँ बाप, तुम्हारे बच्चों को देख के दुखी होते हो, वैसे ही परमात्मा भी तुमको देखकर दुखी होता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। देखिए कितने प्यार से बोल रहे हैं, कहीं हमारी आवाज बाहर ना चली जाए, लोग क्या कहेंगे, ये कौन पागल लोग बैठे अंदर, हमारे घर से क्यों चले गए ये लोग हैं, अब क्या हो गया। ये चीज पहले एक ही बार में बोल लेते तो इतना टाइम। अगर ये पहली बार में बोल लेते तो इतनी बार बोलने को नहीं मिलता। अच्छा ही है, बार बार हरि का नाम निकले मुंह से। तो क्या कह रहे थे, भगवान श्री कृष्ण उदास हैं संसार के लोगों के लिए कि संसार के लोगों का कल्याण कैसे किया जाए। सर्वेश्वरी श्री राधा ने पूछा, कोई उपाय आपके पास? बोले है। क्या? बोले एक उपाय है कि हमारा कोई दूत जाए इस पृथ्वी पर, और इस पृथ्वी पर हमारा कोई दूत जाकर हमारी ही कथाओं का गायन करे, और जब ये कलयुग के लोग हमारी कथाओं को श्रवण करें, सत्य के मार्ग पर चले,
उस सच्चाई को समझ ले। जब ये सच्चाई को समझ लेंगे तो फिर इन्हें सत्य के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर, धर्म के पथ पर जब ये चलने लग जाएंगे तो ये अनेकों योनियों में नहीं भटकेंगे, अनेकों कष्ट नहीं पाएंगे, फिर ये सीधे मेरे धाम तक चले आएंगे। और जब ये मेरे धाम तक चले आएंगे तो ये भी प्रसन्न हो जाएंगे और मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा। दे आर स्पेशल पर्सन हु इज स्पोकन इन श्रीमद् भागवत कथा। श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जन। वो लोग वंदनीय हैं जो आपकी कथा सुनाते हैं, और वो ऐसे इतने बड़े दानी हैं। भाई देखिए एक बात बताइए, बहुत से लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मण लोग दान के पीछे पड़े रहते हैं, दान 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 दान। तेरे दान से किसी ब्राह्मण का एक दिन भोजन चल सकता है, एक महीना, दो महीना, साल, दो साल चल सकता है, इससे ज्यादा नहीं, राइट? लेकिन अगर ब्राह्मण ने कोई एक बात तुम्हें समझा दी और एक बात अगर तुम्हारी समझ में आ गई तो वो एक दो दिन की नहीं, एक दो महीने की नहीं, एक दो साल की नहीं, जन्म जन्मांतर का कल्याण करने वाली बात होती है। किसी ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ भगवान का कथा प्रसंग अगर तेरे हृदय में घर कर गया तो तेरे जन्म जन्मांतर का बेड़ा पार हो गया। अब बता, तूने बड़ा दान दिया कि उस ब्राह्मण ने ज्यादा बड़ा दान दिया? तू कितना बड़ा दान दे सकता है? पूरे विश्व की प्रॉपर्टी भी परमात्मा को दे दे और कह दे प्रभु मेरा कल्याण कर दे, भगवान कहेंगे आई एम सॉरी, गेट आउट। उस लक्ष्मी का थोड़ा थोड़ा अंश तुम सबको बटवा दिए, हम रहती तो हमारे ही चरणों में है। तुम लक्ष्मी का लोभ देकर हमें मोहना चाहते हो? कदाप नहीं। अगर तुम मोहना चाहते हो तो हमें मोहिए अपने प्रेम से, अपने भाव से, अपने कर्म से, उसमें हम मोहित होते हैं। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भव से बेड़ा। ये सिखाने वाले कौन? गुरु और ब्राह्मण। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, बिल्कुल नहीं, कदाचित नहीं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं कथाकार हूं। गोपियों ने मेरे नाम लेकर नहीं कहा था कि देवकी नंदन बड़ा दानी है जो कथा सुनाएगा कलयुग में आकर, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा जो भी कथा सुनाते हैं उनसे बड़ा दानी दुनिया में कोई नहीं। अरे तुम लोग तो 100-200 रुपए भी देते हो तो हाथ भींच भींच के कहीं ज्यादा ना देख लेते हो, 5 बार 100 की जगह कहीं 500 की ना निकल जाए, 10 की जगह कहीं 100 की ना चली जाए, चेक करते हो 10 बार। और कई लोग तो यहां पिछली बार जब हम पटना में से गए थे, कई लोग तो फटी पटाई चढ़ा के चले गए, 10 की नोट वो भी फटी हुई, बोले काहे चढ़ाते हो? सीधे से बोलते हैं आप ही तो कहते हो जो दुनिया में किसी काम की नहीं है? जो दुनिया जिसको ठुकरा देती वो महल बुलाए। महाराज ये दुनिया में काम में नहीं थी तो तुमको दे दिया, ये गलत बात है। अगर तुम ऐसा करते हो तो परमात्मा जो तुम्हें, क्योंकि भगवान क्या देता है? जो तुम देते हो भगवान को, तुम जितना देते हो उसका परसेंटेज वो बढ़ा देता है, यही स्वभाव है उसका। वो अलग से कुछ नहीं देता, कर्मण्येवाधिकारस्ते, गीता कह रही है मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम मुझे दोगे। तुम कम दोगे मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, कर्म तुम करोगे फल मैं दूंगा। तो तुम फटी हुई नोट भगवान के चरणों में चढ़ाओगे तो भगवान भी तेरी है ना? तो देना लेना विषय ही नहीं है। भगवान लक्ष्मी से मोहित नहीं होता, भगवान कर्म से मोहित होता है, तेरी भावना से मोहित होता है। तेरा भाव कैसा है, तेरी श्रद्धा कितनी मजबूत है, तेरा विश्वास कितना मजबूत है, इससे भगवान प्रसन्न होता। तो मेरे प्यारे श्रोतागण, जो कथाकार हैं इस दुनिया में मुझे छोड़कर, वो सब वंदनीय हैं। मुझे छोड़ दीजिए क्योंकि मैं सुना रहा हूं यहां पर, इसलिए हमको साइड में कर दीजिए। हम तो आप ही की तरह एक जनरल पर्सन है, कॉमन पर्सन है, लेकिन हमारे अलावा जो कथाकार हैं वो सब इस भारतवर्ष के सबसे बड़े दानी हैं।
क्योंकि एक एक कथाकार अगर एक कथा में 100 लोगों को भी भागवत सुनाता है और उसमें से 10 लोगों का भी कल्याण होता है तो ये बहुत अभूतपूर्व, संसार के लिए बहुत बड़ी घटना है, छोटी घटना नहीं। यही घटना के लिए तो भगवान ने सुखदेव जी को भेजा था पृथ्वी पर। भगवान ने जो सुख को भेजा किस लिए भेजा, कि हमारी कथा सुनाएंगे, लोग कथा सुनेंगे, सुनकर सच्चाई को जानेंगे, धर्म को जानेंगे, फिर धर्म के रास्ते पे चलेंगे, फिर वैसा कर्म करेंगे, फिर वो मुझ तक पहुंचे। इसीलिए ना भगवान ने सुखदेव जी को भेजा था। तो जो काम सुखदेव जी ने किया वही काम हम कर रहे हैं, वही काम और जो कथाकार है वो कर रहे हैं। हमको साइड में कर दीजिए, लेकिन बाकी के जो सब लोग हैं वो इस पृथ्वी पर महान हैं, क्योंकि वो धर्म का प्रचार तो करते हैं, साथ में न जाने कितने भटके हुओं को भगवान के श्री चरणों तक पहुंचा देते हैं। इसलिए वो वंदनीय है, प्रशंसनीय है। आजकल समाज में एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार होता है। लोग कहते हैं आजकल ब्राह्मण साधु वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। ये क्यों नहीं कहते कि आजकल श्रोता भी नहीं रहे जैसे पहले थे? परीक्षित ने उठ के पानी पिया था? परीक्षित कथा में लेट पहुंचे थे? परीक्षित को इनविटेशन मिला था? बोलिए। या परीक्षित पूरा घर का काम सिलटा के आया था? सिर्फ कथाकारों की, साधु महात्माओं की कमी आप देखते हो, यही तो दुर्भाग्य है। इसलिए तो धर्म हमारे हृदय में उतरता नहीं। धर्म को उतारने के लिए जरूरी है कि बुराई देखना नहीं, सिर्फ अच्छाई देखनी है। भगवान ने नेत्र दिए हैं अच्छा देखने के लिए, श्रवण दिए हैं अच्छा सुनने के लिए। जब आप अच्छा देखोगे, अच्छा सुनोगे, तो तुम्हारे जीवन में सत्य का प्रवेश होगा, सच्चाई का प्रवेश होगा, फिर तुम्हें भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बोले राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, इतना धीरे बोलेंगे तो। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारे यहां से कोई कथाकार जाए। बोले कौन जाएगा? बोले सुख जाएगा। राधा रानी के साथ में एक बहुत प्रिय सुख है, सुख कहते तोते को। बोले ये जाएंगे और ये हमारी कथाओं का वर्णन करे। बोले ठीक है। सुख जा रहे थे, मार्ग में कैलाश पर्वत पड़ा, और कैलाश पर्वत पे कौन रहते हैं? अकेले रहते हैं। तब कौन है साथ में? सुखदेव जी ने देखा कि कैलाश पर्वत पे बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती में कुछ विवाद चल रहा। अब विवाद का चल रहा है? अब वहां तो विवाद की वजह, अरे पति पत्नी है, पति पत्नी है, पति पत्नी में छोटी छोटी बातों में लेके कुछ न कुछ तकरार होती ही है। होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? पर्दा भी हम ही से और नजरें भी हम ही पे, पर्दा भी हम ही से और नजरें भी हम ही पे, यही तो है। पति पत्नी में थोड़ा बहुत होता ही है। और साहब हम तो एक व्यक्ति को ऐसा कहते हुए सुने, जितना लड़ोगे उतना ही प्यार बढ़ेगा। बस लड़ते लड़ते कोर्ट तक मत पहुंचना, फिर सीमित रहेगा। आजकल बच्चे सब फास्ट फास्ट करते हैं ना, तो कोर्ट जाने में भी बड़ी फास्ट हो जाती है बच्चे, वहां गड़बड़ हो जाती है। थोड़ा धीरे धीरे, कई चीजें धीरे धीरे करनी चाहिए, कई चीजें फास्ट करनी चाहिए। तो मेरे भाई बहन, यहां बात काय बात की है, एक भजन है बहुत प्यारा सा, वो सुन लीजिए, उसके बाद फिर इनके बात सुनाएंगे। हमने सुना है लोगों से कि बाबा भांग पीते हैं। भांग वहां मिलती होगी कि नहीं कैलाश पर्वत पे, वहां रूखड़ी होगी कि नहीं पता नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन काफी लोग कहते हैं। उसी के लिए एक भजन है बहुत प्यारा, जरा ध्यान से सुनिएगा। ओ भोले भंग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी, तू रोज रोज घुटवाए
एक दिना की होई तो गोटू रोज न गोटी जाए।
क्या बोलेंगे? गोला खा के भोला बोला कि अपना बोला जाए है? कितना बढ़िया। जब कोई पति पी के आता है तो पत्नी कहती अरे मेरे तो भाग्य फूट गए। सुन लीजिए, ये तो एकदम बिहार की कथा सुना रहे हैं। सुन लीजिए, जब कोई पति पी के आए तो पत्नी क्या कहती है, हमारे तो भाग्य फूट गए, जो तुम जैसे हमारे भाग्य में लिख दो। भगवान करे राम करे जो बोतल फूट जाए। कहती हैं कि नहीं? क्या कहती हैं? भगवान करे जे बोतल फूट जाए। पति को गुस्सा आ जाता है। अब पार्वती मैया का कह रही है, राम करे ऐसा हो जाए ये सिलबट्टा टूटे, हाँ टूटे, हाँ टूटे, भगवान करे सिलबटना टूट जाए। और जैसे सिलबटना टूटने का नाम सुना, बाबा को गुस्सा आ गया। और कोई देवी कह दे भगवान करते बोतल फूट जाए, या कई देवता बैठे होंगे ऐसे जिनकी देवी भरी भरी बोतल में आंच लगा देती है, तो गुस्सा आता है। तो बोतल फूट जाए के नाम पे तो गुस्सा आ जाता है। तो इसी बात पे विवाद चल रहा है वहां। अंत तो गत्वा, वहां पर कथा का क्रम प्रारंभ हुआ और उस कथा क्रम में बाबा ने कथा सुनाने से जो अमर कथा सुनानी है, पार्वती मैया से कहा, देखो देवी, देखो एक बात बताएं हम आपको, भांग छाने तो ऐसी छाने जैसे गाड़ी कीच। ये भांग को जो नशा है ना, बड़ा विचित्र है, तुम मत करना कभी, कोई बच्चा भी ना करे, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन भांग की एक विशेषता, उसमें व्यक्ति जो लग जाते ना वो लगा ही रहता है। हंसने लगे तो हंसता ही रहेगा, रोने लग गया तो रोता ही रहेगा, भजन में लग गया तो भजन करता ही रहेगा, परिक्रमा करता रहा तो करता ही रहेगा। भांग के नशा में जीव अपनी सुधबुद भूल जाता है और जिस धुन में एक काम शुरू कर दे वही करता रहता है। एक बड़ी अच्छी दृष्टांत है, विश्राम घाट जो मथुरा है वहां पर हमारे चतुर्वेदी समाज 2:30 बजे, आजकल तो 2:30 बजे उनका घुटना शुरू हो जाता है और घुटना घुटना चलता रहता है उनका, भंका चकाचक। तो कुछ श्रद्धालु बाहर से आए परिक्रमा का दर्शन करने विश्राम घाट का, और विश्राम घाट का दर्शन करने आए तो सब लोग कहे महाराज चलिए, दर्शन किया। उस समय भांग चल रही थी, खुद भी पंडा जी ने पिया और उनको भी पिला दिया। और जब भांग पिला दिया उनको तो गए, बोले जमुना जी के उस पार देवी जी का दर्शन कराइए बाई नाव बाई बोट। ठीक है, अब नाव से जाने लगे तो जैसे ही जमुना जी में नाव चलाने तो ठंडी ठंडी लहरों के साथ हवा लगी तो महाराज वो कई गुना और चकाचक हो गया। रसगुल्ला खा के रबड़ी खा के चले थे, आज महाराज नाव चलाए जा रहे हैं, नाव चली जा रही है, चली जा रही है, नाव चलाए जा रहे हैं, नाव चलती गई, नाव चलाते गए हैं, ऐसा नाव चलती गई। नाव को चलते चलते शाम से अंधेरा हो गया, नाव पल्ली पार नहीं पहुंची। रात से सुबह होने को है, नाव पल्ली पार नहीं पहुंची। तो एक जिजमान ने कही, पंडा जी, बोले हाँ जी, अरे महाराज बड़ी लंबी यात्रा है जमुना जी की, ऐसो अभी तक नहीं पहुंचे, नाव चली रही है कि ना चल रही? पंडा जी बोले, चुचुरा तो ज्यादा जल्दी है का पल्ली पार जाएगी? अरे ज्यादा जल्दी है तो नाव में छलांग, नाव तो नहीं चलेगा जमुना जी, छलांग पहुंच जाएगा जल्दी पल्लंग। अरे मैं तो नाव चलाए रहा हूं, अब नाव पल्लंग ना पहुंची तो मेरो का दोष है? सके लहरन के संग बह गई हो, समझ रहे हैं भाई? भाव में कई बार नाव बह भी तो जाती है, तो बह गई होगी, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। अरे बोले महाराज एक बात बताएं, आप नाव चला रहे हो ये सच है, नाव चल रही है जय भी सच है, पर जिस खूंटे से नाव बंद रही थी उससे तो आपने खोली नहीं है।
जिस खूंटे से नाव रस्सी से बांध देते ना खूंटे से, बोले जिस बंधी हुई थी नाव जिस खूंटे से उसे तो आपने खोली नहीं है, सारी रात किनारे पे ही नाव चली करी है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी हो जाता है ना ऐसा, तो होने दीजिए, आप चकाचक आनंद लीजिए, राधे राधे बोलते रहिए। बाबा ने कहा कि जो कथा तुम सुनना चाहती हो, ये कथा सुनने का सब कोई अधिकारी नहीं है, ये कथा सबको नहीं सुनाई जा सकती। अगर तुम ये कथा सुनना चाहती हो तो पहले कैलाश पर्वत पर देख कर आओ, कोई और है तो नहीं। माँ पार्वती गई और कहा बाबा कोई नहीं, आप कथा सुनाइए। देख कर आई, कोई नहीं था, लेकिन वहां विकलित अंडे के रूप में सुक्ष्म मौजूद थे। कथा के मध्य में पार्वती मैया को नींद आ गई। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, पूर्व जन्म के पापों की वजह से जीव कथा पंडाल में आ नहीं सकता, आ भी जाए तो मन नहीं लगा सकता। आपने देखा होगा बहुत से लोग कथा पंडाल में पहुंच तो जाते हैं लेकिन दो तीन समस्या होती है उनके साथ। क्या समस्या होती है? उनको नींद आ जाती है, वो किसी न किसी बात पे बात विवाद कर बैठते हैं, किसी से लड़ाई कर बैठते हैं। अरे हमको आगे ही बैठना है, क्यों नहीं बैठ सकते आगे? और अगर ये बात भी कंप्लीट ना होता, बोले मन नहीं लग रहा, चलो घर में चल के आराम करेंगे। एन कैन प्रकारेण उनका पाप उनसे कथा छुड़वा देता है। एकदम ध्यान से सुन लीजिएगा, तीन वजह है कथा छूटने की। सबसे प्रमुख वजह है पाप, सबसे प्रमुख वजह। और दूसरी प्रमुख वजह है अपने आप को हमें अपनी मंजिल नहीं मालूम। और तीसरी, हम अपने कर्म के प्रति लापरवाह हैं। जब पाप हावी होता है तो हम आलसी हो जाते हैं, और जब हम आलसी हो जाते हैं तो हमें अपने कर्म के प्रति वफादारी नहीं रह पाती। तुलसी पूर्व जन्म से हरि चर्चा न सुहाए, कै सोवे कै लड़बड़े कै घर को चले जाए। तुलसीदास बाबा ने कहा है हमारे पूर्व जन्म के पापों की वजह से हमें कथा में नींद आ जाती है, और नींद भी ना आए तो बोले किसी से लड़ाई बात विवाद हो जाता है। अगर वो भी ना हो तो बोले कई लोग बीच में से उठते हुए जाते हुए देखे हैं अपने, कई लोग होते हैं ना, 2 बजे आते हैं, 3 बजे आते हैं और फिर 4:30-5 बजे चले जाते हैं, या 5:30 से पहले या 6:30 से पहले चले जाते हैं। एक दो ही लोग होते हैं लेकिन वो बीच में उठ के जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पाप अलाउ नहीं करते कि वो संपूर्ण श्रीमद भागवत कथा सुन सके। अब भाई साहब बहुत से लोग कहते हैं हम नहीं मानते इन बातों को। अब अगर तुम नहीं मानते तो दिस इज योर प्रॉब्लम, पर तुम्हारे मानने न मानने से सत्य नहीं बदल जाएगा। ये कथा पंडाल है तो मतलब कथा पंडाल है, ये सत्य है। तू कह दे मैं नहीं मानते कथा पंडाल है तो मत मान, ये भागवत कथा है। तू कह दे भागवत कथा नहीं है तो तेरी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। ये सब यहां पर कथा सुनने आए। वैसे ही पापी लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि कथा में आलस्य आता है, और आता है ये आप जानते हो। कई बार नींद आ जाती है, ये बात आप जानते हो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। आनंद आ रहा है कि नहीं? अरे चकाचक करिए जरा, नहीं आ रहा आनंद? और जोर से हो जाए जरा एक बार, ऐसे। पार्वती मैया को भी बीच में नींद आ गई, बीच कथा में पार्वती मैया को भी नींद आ गई, लेकिन धन्य है उस सुख के भाग्य को जो पहले से ही बैठा हुआ था और वो सुख पूरी कथा सुन गया। पार्वती सो गई, सुख पूरी कथा सुन गया। जिनके ऊपर भगवान कृपा करे वो मेरे प्यारे हो, कुछ भी हो सकता है।
बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिनु हरि कृपा बोलेंगे। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, भगवान की मर्जी के बगैर, भगवान की कृपा के बगैर आपको भगवान की कथा नसीब नहीं हो सकती। अब लोग कहे तो कहे, न माने तो न मान, तेरी मर्जी, तू न माने तो मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ना है। मान लेगा तो तेरा कल्याण, न मानेगा तो तेरा नुकसान। पार्वती मैया को नींद आ गई और सुख पूरी कथा सुन गया। हे मेरे भाई बहन, ये सौभाग्य की बात है कि हम भारतीय हैं। भारतीय होना गौरव की बात है, हिंदुस्तानी होना सौभाग्य की बात है, और उस पर मानव होना परम सौभाग्य की बात है। और उस पर अगर भगवान की कथा मिल जाए तो तेरे भाग्य का वर्णन भगवान भी नहीं कर सकता। जिस देश में हमारा और आपका जन्म हुआ है ना, उस देश में मेरे भाई बहन पशु पक्षी भी भगवान के दीवाने होते हैं, भजन करने वाले होते हैं, पशु पक्षी भी। तोते पाला है कभी? तोते पाले हैं? तोते को पाला है? क्या बोलता है तोता है? इंसान को पाला है कभी? पाला है इंसान को? क्या बोलता है? इंसान पाल कर देखिए और तोता पाल के देखिए, वफादार तोता मिलेगा, इंसान नहीं। अरे मुंह पे बटरिंग करने वाले चापलूस लोग, जब तक मुंह पे बैठे रहते नरे साहब गजब, और जैसे पीठ पीछे जाएंगे तब सुनिएगा उनके श्लोक, चतुर श्लोक की श्रीमद् भागवत कथा उनके मुख से वर्णन होती है। अगर हम मानव होकर किसी की बुराई करें तो इससे बढ़िया है भगवान हमको मानव न बनाए। भगवान करे हम ऐसे तोता बन जाएं जिस तोते के मुख से हमेशा भगवान का नाम ही निकलता है, हमेशा हमेशा। देखिए ना कितना अच्छा पालतू तोता, जब भी मुंह से निकलता है उसके क्या निकलता है, जोर से बोलिए, बोलता है। लेकिन हमारे मुंह से तो पता नहीं अनल गरन अब सब गप, पता नहीं क्या क्या। तो पार्वती मैया सो गई और शुक ने पूरी कथा सुनी। जब कथा पूरी हुई तो माँ पार्वती बोली, बाबा कौन कथा सुना रहे थे? बोले हम ही सुना रहे थे। बोले कौन सी? बोले अमर कथा ना सुना रहे थे तुमको। बोलिए कौन सी अमर कथा, अभी कुछ सुनाया, अभी कुछ सुना दिया, तुमको नींद तो नहीं आ गई? बोले नींद नहीं आई, थोड़ी देर के लिए झपकी लग गई थी। बोले जब तुम्हें झपकी लग गई तो कथा में हुंकार कौन भर रहा था? देखा सुख बैठा है, हुंकार भर रहा है। बाबा बोले देवी देखो इसकी किस्मत,
तुमसे अच्छी है, तुमसे भागवत रह गई और इसने पूरी भागवत सुन ली, पूरी सुन ली, पूरी। लेकिन इसने चोरी से सुनी है इसलिए हम इसे मार देंगे। बाबा ने त्रिशूल उठाया और बाबा उस सुख को मारने के लिए दौड़ पड़े। हे मेरे भाई बहन, कभी भी चोरी से कथा नहीं सुननी चाहिए। जब भी कथा सुनने का मन हो सीधे कथा पंडाल में सामने जाकर बैठ जाओ। ये जितने भी यहाँ तक मेरी नज़र जा रही है और जो मेरे सामने श्रोता बैठे हैं, ये कोई भी चोरी नहीं कर रहा, कोई साइड में बैठ के कोई इधर उधर बैठे वो उसको चोरी कहते हैं। इधर उधर नहीं, सीधे सामने बैठना चाहिए। व्यास जी की कभी पीठ पीछे नहीं बैठना चाहिए। जैसे भगवान की पीठिका का दर्शन नहीं होता है, वैसे भगवान की पोथी का भी पीठ का दर्शन नहीं होता है। ये व्यासपीठ है ना, पीछे नहीं फ्रंट पे ही रहना चाहिए। अब सामने बैठकर कथा सुनोगे तो इसका लाभ कई गुना होता चला जाता है मेरे भाई बहन, कई गुना ज्यादा। और थोड़ा फैल फूट के मत बैठिए, ऐसे बैठिए थोड़ा। हाँ, ये श्रोताओं पे भी बैठना आना चाहिए। कई लोग तो फैल के बैठते हैं और कई लोग फूट के बैठते हैं, तो चक्कर हो जाता है। सुख ने चोरी से कथा सुनी इसलिए बाबा भोलेनाथ उन्हें मारने के लिए दौड़े। जब बाबा दौड़े तो सुख आ गया, आगे आत्म रूप से दौड़े हैं, शरीर से नहीं। शांत ध्यान से सुन लीजिए। कई लोग कहते हैं अरे साहब तोता मुंह में कैसे आ गया। कॉमन सेंस वाली बात है भाई, तुम तोते को दौड़ा रहे हो का? शरीर से नहीं, आत्म रूप से वहां से दौड़े। और बाबा कह रहे हैं रुक जाओ हम तुमको मारेंगे। बोले आ जाइए पकड़ लीजिए और मार दीजिए। दौड़ते दौड़ते व्यास जी की पत्नी केश सुखा रही थी, उनको जमाई आई और आत्म रूप से उनके मुख के द्वारा गर्भ स्थान में सुखदेव जी महाराज प्रस्थान कर गए, प्रवेश कर गए। सुख जी महाराज 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदं स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमासवासम भजे कल्पारमोंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोपीतुलीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार भारम। कर रहे हाथ जोड़ के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेरहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम प्रभु प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु प्रसन्न हो जाइए। बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हुए और कहा कुछ वरदान मांग लीजिए। बोले एक ही वरदान दे दीजिए कि आप हमारा घर छोड़ के चले जाइए। आप और हम क्या मांगते हैं, हमारे घर में आ जाओ, घर में आ जाओ। व्यास जी क्या कह रहे हैं, आप हमारे घर छोड़ के चले जाओ। काहे? बोले देखो आपके चक्कर में ना भक्त और भगवान की लड़ाई में हमारा पत्नी कष्ट पा रही है। कितना कष्ट पा रही है हमारी पत्नी। बाबा बोले हम जाते हैं लेकिन एक आशीर्वाद देकर, तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, बहुत बड़ा। ये हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारा पुत्र ज्ञानी है, आशीर्वाद हमारा। बाबा बोले ना जा रहे हैं तो भैया जब चले गए भोलेनाथ तो सुखदेव जी को कहा कि भैया अब तो बाहर आ जाओ। अब तो चले गए बाबा भोलेनाथ। बोले हम नहीं आएंगे। अब क्यों नहीं आओगे? बोले हमको पता है जैसे ही हम यहाँ आएंगे ये माया हमको पकड़ लेगी। ऐ सुनिए, हम और आप दुखी क्यों हैं? या पैसे वाले हों, अमीर हों, गरीब हों, फकीर हों, जो भी हों, दुखी क्यों हैं? माया के चक्कर में।
जैसे ही हमारा जन्म होता है ये माया महारानी हमको पकड़ लेती है। पकड़ती है कि नहीं? बचपन से ही माँ बाप प्रेशराइज कर देते, अच्छे मार्क्स नहीं आए तो तू देखियो, तू तेरे अच्छे परसेंटेज नहीं आए तो तेरा परसेंट खराब कर दूंगा, हाँ या ना? बेचारे छोटे से बच्चे, नन्हे सी जान पर इतना प्रेशर रहता है, मम्मी पापा को हैप्पी करना है, बर्थडे पे कुछ लेना है तो अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, टेंशन में रहते हैं। टेंशन वह है कि नहीं भैया? खड़े हो, खड़े हो, का नाम तुम्हारा है? सचिन, सचिन नाम है, वो तो भारत रत्न है भाई, तुम भी अपने माँ बाप के रत्न तो है ही हो, लेकिन सच्ची बताइए प्रेशर रहता है कि नहीं परसेंटेज लाने का? जोर से बोलिए, सुन लीजिए, माँ बाप जितने भी सब बच्चों पे प्रेशर रहता है, वो रहता है कि नहीं? बैठ जाओ, परसेंटेज क्या है? यही तो माया है। माँ बाप प्रेशराइज करते, अच्छा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, अच्छे लाओ, पड़ोसी का बच्चा तुझसे अच्छा नहीं आना चाहिए, देख ले बचपन से ही प्रेशर। फिर अच्छा पढ़ जाओ तो बोले अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, और नहीं मिले तो इसमें इसका क्या कसूर है? वो तो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम। बोले नहीं, ढूंढो कहीं से भी ढूंढो। फिर रिश्वत दे दा के जैसे तैसे जैक लगा लगू के बेचारा लगता है, और फिर कहते करप्शन मत करो। अरे कहां से करप्शन न करो, जो बेचारा पहले ही 10 लाख रुपए दे के नौकरी लेके आया है वो नहीं करेगा? क्या बात करते हैं, झूठ बात करते हो। या तो बिना करप्शन, बिना रिश्वत के नौकरी दो, और बिना रिश्वत के नहीं दे सकते तो फिर हमारे सरकारी लोगों से करप्ट ना हो ये उम्मीद करना बेकार की बात है, बेकार की बात। जब शुरुआत में जिसको जॉब मिलने से पहले करप्ट होना पड़ता है बेचारे को, रिश्वत देना भी तो करप्शन है। वो कह रहे नौकरी दे दो तो इतना, बोले इतना देना पड़ेगा, बोले मैं तेरा बड़ा बॉस, तेरे मार खींच के 5-7 बॉस को, काहे का बॉस है तू? रिश्वत खोर कहीं का? जिसका बॉस रिश्वत खोर होगा वो नहीं ना होगा बच्चा। मैं आप लोग से नहीं कह रहा हूं, मैं बिहार के लोग, ये भारतवर्ष का प्रॉब्लम है भाई। राधे राधे बोले जोर से, हमारे यूपी में आ जाइए तो। अब हम दोनों जो है ना यूपी बिहार, ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि बड़ा कौन और छोटा कौन है, सीट वाइज नहीं, हाँ ऐसे बड़ा मुश्किल है कि बड़ा कौन भैया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो मेरे भाई बहन, बड़े हो जाओ तो कमाने की प्रॉब्लम, उसका प्रेशर रहता है, और बूढ़े हो जाओ तो मरने की प्रॉब्लम, उसका प्रेशर रहता है। जब बूढ़े हो जाए तो मरने की प्रेशर रहता है कि नहीं? अरे न जाने कब मर जाए, अभी तो ये नहीं हुआ, अरे भैया उससे पहले जी कर लो वो कहीं मर न जाए, अरे भैया नाती की शादी देख लो जल्दी। अपने बच्चे से कहता है अरे इस पूजा की शादी कर दे, का पता हम मर गए तब। अरे तुम मर जाओगे इस चक्कर में हम पूजा को किसी दुष्ट को दे दें क्या? तुमको मरना है तो मरो, अपना काम फिनिश करो, इस पूजा को तो कहीं देवता देखने दो, हमको पूजा को देवता को देंगे, तुम मर ना जाओ इसलिए किसी दुष्ट को दे दें पूजा। क्या बोलना पड़ेगा? प्रेशर है कि नहीं? माया है कि नहीं? माया ही ना है। मरने से पहले बेटे की शादी देख लें, नाती की शादी देख लें, इसकी शादी देख लें, तो मरने में भी माया सताती है, जीवन में भी माया सताती है, जिंदगी माया से भरी भरी है। और इसीलिए सुखदेव जी ने आने से मना कर दिया, हम नहीं आएंगे। काहे? बोले महाराज हम आएंगे तो जन्म लेते ही माया पकड़ लेगी। कौन पकड़ लेगी? तो अब क्या करें? बोले अब नारायण भगवान से कहिए वो हमें वचन दें कि माया नहीं सताएगी। स्वयं मायापति आए और कहा हम वचन देते हैं हमारी माया तुम्हें नहीं सताएगी। और ये पहले महात्मा हैं ऐसे जो जन्म लेते ही घर छोड़कर चले गए, पहले महात्मा। भूतो न भविष्यति, पहले कभी हुआ नहीं, बाद में अब कल्पना करना बेकार है। कैसे हैं? बोले जन्म लेते ही घर छोड़ दिया,
न माँ से माँ कहा, न पिता से पिता कहा, इकलौता पुत्र घर छोड़ के जा रहा है। वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे, यम प्रवजन तुम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रे तितन्मय तया तरवो भिनेन्दु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ, पुत्र रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने मुड़ के नहीं देखा। एक और बात समझा देते हैं हम आपको, आप समझदार हैं, सब जानते हैं, फिर भी मैं अपना काम कर रहा हूं। इस संसार में जितने रिश्ते हैं वही तुम्हें दुख देते हैं। कोई भी रिश्ता हो, एक्स वाई जेड, वट एवर यू हैव रिलेशनशिप, वो आपको प्रॉब्लम देते ही हैं, कष्ट देते ही हैं। दे आर मेड यू सैड। कैसे कैसे महाराज? जब बच्चा होता है तो माँ बाप परेशान होते हैं, माँ को तो दूसरा ही जन्म मिलता है, फिर जब तक बड़ा ना हो जाए कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, मलमूत्र माँ के ऊपर त्यागता है, बाप को भी टेंशन रहती है, फिर पिताजी की चिंता है कि अब इसके लिए भी कमाओ, फिर बेटा जब बड़ा होता है फिर उसकी टेंशन है माँ बाप को पालो, फिर दोस्त मिलते हैं, वो भी कोई कोई दोस्त तो बड़े अच्छे मिल जाते हैं आजकल, बात ना मानने पर तेजाब फेंक देते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना। फिर पति पत्नी हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे बेटा बेटी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कुछ, हर रिश्ता तुमको दुख देता है, लेकिन एक रिश्ता तुम्हें कभी दुख नहीं देता, और वो रिश्ता मेरे कन्हैया के साथ में है, मेरे बाबा। सुख पाने का तरीका बताऊं, किस किस को तरीका चाहिए सुख पाने का, बोलिए सच्ची बताओ, दिल से बताऊं कि नहीं? तमन्ना दर्द दिल में तो खिदमत कर फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल में तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं वो लाल मिलता है अमीरों के खजाने में, नहीं वो लाल मिलता है अमीरों के खजाने में, वो अमीरों के घर में नहीं मिलता, वो फकीरों के यहां पर मिलता है। और यही बात जब वेद व्यास जी महाराज उदास हुए तो देवर्षि नारद पधारे, और जब देवर्षि नारद पधारे तो उन्होंने बताया कि मैं इस लायक कहां से बना जहां मैं आज भगवान का पार्षद बन गया। कैसे बना? बोले मैं एक दासी का पुत्र था पूर्व काल में, पूर्व जन्म में, और वहां जब दासी का पुत्र था तो वहां हमारे जिनके यहां हमारी माँ सेवा किया करती थी वहां साधु संतों का आना जाना था। क्या था? एक बात बताएं, जिस घर में साधु संतों का आना जाना ना हो वो शमशान है। क्या है घर? कौन है? लंका में कौन रहते थे? जोर से बोलिए। आज मंगलवार है ना, हनुमान जी का ही नवार है ना, तो सुनिए जरा। हनुमान जी जब गए लंका में तो वहां क्या थे? मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा देखे जाता अग्नित जोदा गयो दसानन मंदिर माई अति विचित्र कही जात सुनाई सैन किए देखा कभी देही मंदिर महुन देख बैदेही। बड़ी विचित्र बात है, लंका में मंदिर और मंदिरों में राक्षस। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जाता अगणित जोधा, सब मंदिर, लेकिन घर घर क्या है, भवन क्या है? भवन एक पुणे दीख सुहावा, भवन हरि मंदिर ताना भिन्न बनावा, रामायुध अंकित ग्रह सोवा वर्णि न जाए। घर कौन सा है? आय हाय आय हाय, क्या बात है। क्या लिखा है? रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का बृंद तहां देखे भर से कबीरा। घर वही है जिस घर के बाहर राम जी का नाम लिखा हो, भगवान जी का नाम लिखा हो,
तुलसी का बिरवा जिसके आंगन में हो और जहां पर ठाकुर जी का मंदिर घर के भीतर हो, ठाकुर जी का मंदिर घर के भीतर हो, जहां मदिरा इत्यादि कभी आती जाती न हो, जहां सब विचारों वाले लोग पास करते हो, वो घर है। पहले लिखा रहे दादा राम जी की कुटिया, श्याम जी की कुटिया, फिर लिखने लगे शुभ लाभ, फिर लिखने लगे शुभ लक्ष्मी, और अब घर के बाहर क्या लिखते हैं, कुत्तों से सावधान। सच्ची बबुआ, हम सच बोल रहे हैं। पहले लिखते थे राम जी का भवन, पहले लिखते थे कृष्ण जी का भवन, कोई लिखता था सीता जी का भवन, कोई लिखता था सीता जी की कुटिया, राधा जी की कुटिया, फिर लिखते थे शुभ लाभ, फिर मतलब ही हुआ इंसान बोले शुभ लक्ष्मी, और अब हो गया कुत्तों से। एक सेठ जी के यहाँ हम गए, एक सेठ जी के यहाँ हम गए, और उसके बाहर ही लिखा था कुत्ते से सावधान, और बड़ा खतरनाक सा फोटो भी लगा था ऊपर से क्रॉस ऐसे करके रेड वाला। अब हम भाई, तुम लोग पहनते हो जींस और हम पहनते हैं धोती, फर्क है। तुम्हारे तो जींस में काट भी ले तो थोड़ा बहुत घुसेगा, ज्यादा नहीं। यहां धोती तो बहुत सॉफ्ट होता है साहब, पूरा का पूरा। तो हम आ गए टेंशन में, उसने तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कुत्तों से, तो हमने अपनी धोती को थोड़ा और ठीक किया, और ठीक करके हमने अपने एक दूत को आगे भेजा, मैंने भाई चेक कर, पर कुछ नहीं, आइए ना, पहले तुम चलिए। उसने ऑलरेडी कह रखा है कुत्तों से सावधान, तो पहले सावधानी बरतो ना। सावधानी हटी घटी, पहले बरतो। अच्छा वो गए सेठ जी, आइए आइए महाराज आइए, मैंने आप चलिए आ गया। अब वो देख रहा है कि हमारे चेहरे पे कोई प्रॉब्लम है, पूछा क्या बात है। अरे हमने कहा कुछ नहीं, आपने जो लिखा है बोर्ड बाहर फोटो वाला, उसको देख के थोड़ा टेंशन है, कुत्ते से टेंशन नहीं है, उसके बाद जो 14 लगेंगे उससे थोड़ा टेंशन है, और कोई नहीं, तो थोड़ा बांध दीजिए उसको, फिर आएंगे। बोले नहीं नहीं महाराज घर में नहीं है। मैंने अच्छा तो शेयर करने गया है ही नहीं, रखते ही नहीं। और तो मैंने कहा बाबरे आदमी, जब है ही नहीं तो लिख क्यों रखा। बोले दुनिया को डराने के लिए, ले दुनिया को डराने के लिए। अरे हमने कहा सेठ जी इधर सुनिए, इधर आइए, आपने लिखा है कुत्तों से सावधान, और कुत्ता है नहीं, अब कौन है, अब किससे सावधान। राधे राधे बोलना पड़ेगा ना, जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए यहां पर जो बैठे हैं, शुभ लाभ और शुभ लक्ष्मी छोड़कर सिर्फ भगवत कृपा निवास, गोविंद की कुटिया, हरी का भवन, कुछ ऐसा लिख लीजिए जिससे तेरा और ठाकुर का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए हो जाए। ऐसा होते ना आजकल कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले अपने ठाकुर के साथ कि मैं उसी घर में रहूंगा जिस घर में तेरा वास होगा मेरे प्यारे, यही हमारा तेरा कॉन्ट्रैक्ट है। तो वहां साधु संतों का आना जाना रहता था, तो साधु तो साधु, भगवत भजन करने वाले लोग, जन कल्याण करने वाले लोग, जब रात में सो जाते तो वो 5-7 वर्ष का बच्चा, ध्यान से सुनना बच्चे लोग, ए जींस पहनने वालों, आजकल लोग पता है क्या कहते हैं, कथा सुनना बुढ़ापे का काम है, झूठ बोलते हैं वो लोग। कथा सुनना बुढ़ापे का काम नहीं, जब तेरी माइंड में ये समझ आ जाए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, उसी दिन से भागवत सुनना शुरू कर दे, क्योंकि अगर पहला सुधर गया तो अंत तो सुधरेगा ही सुधरेगा। अरे साहब जिसका फर्स्ट स्टेप ही खराब चला गया हो, उसके लास्ट स्टेप की उम्मीद करते हो बढ़िया होगा, नहीं ना, इसलिए पहला स्टेप सुरक्षित हो। बच्चों को बचपन से ही भगवान की कथा सुनाओ, बचपन सुधर गया तो जवानी सुधर जाएगी, और जवानी सुधर गई तो जिंदगानी सुधर जाएगी मेरे भाई बहन, जिंदगानी सुधर जाएगी।
तो मेरे भाई बहन, वो बालक 5-7 वर्ष का बच्चा रोज संतों के चरण दबाता, जब संत सोने जाते तो उस समय जब संत सोने जाते तो हरि की चर्चा होती थी। हरि की चर्चा सुन सुनकर उस बच्चे को भगवान से प्यार हो गया। यहाँ पर कितने बच्चे हैं जिनको भगवान की कथा सुनकर भगवान से प्यार हो गया, हाथ उठाइए। बड़ों से नहीं पूछ रहा हूं, बच्चों से पूछ रहा हूं। जो अनमैरिड है वो सब बच्चे ही हैं मेरी नजर में, जो अनमैरिड है। बटरिंग मत कीजिएगा, अगर बटरिंग करेंगे ना, मैं ना पहचानूं लेकिन मेरा ठाकुर तो पहचानता है। इस कथा ने किस किस को विवश कर दिया है आपको भगवान से प्यार करने के लिए, बताइए। क्या है ना, हो गया ना प्यार, है ना कथा में असर। जब कथा में जाओगे नहीं तो ये असर कहाँ से प्राप्त होगा। इसीलिए कथा सुनना जरूरी है कि तुम्हारा अटैचमेंट ठाकुर से हो जाए, दिल लग जाए तुम्हारा भगवान में। इसलिए जरूर जाना चाहिए। तो जब वो साधु कथा सुनाते तो उस बच्चे का मन बड़ा कोमल था, वो भगवान की सेवा, संतों की सेवा कर करके हरि का अमृत प्राण कर रहा था। इसीलिए मैंने कहा, तमन्ना दर्द दिल में तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं वो लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। वो भक्ति का लाल अमीरों के खजाने में नहीं मिलेगा, वो तो किसी फकीर के मुख से ही अमृत वर्षा हो रही होगी, किसी भगवान के चाहने वालों के ही मुख से वो अमृत बरस रहा होगा। और जिस दिन अमृत बरस जाए और तू उसे स्वीकार कर ले तो समझ लेना कि उस अमृत पान करके तेरा भी कल्याण हो गया, तेरा भी कल्याण हो गया। बोले राधे राधे, जोर से बोले। बच्चे को प्रेम हो गया। कुछ समय बाद जब संत जाने लगे तो बच्चा कहे कि अब तो हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, I don't live without you. I want to go with you. Please give me permission. मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। संतों ने कहा चलो हम ले चलते हैं। लेकिन उसी समय उसकी माँ आ गई, बोले एक ही बेटा है और कोई सहारा नहीं, इसको भी आप ले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी। संतों ने कहा जब तक तुम्हारी माँ है तब तक इसकी सेवा करो, और जब माँ चली जाए तो तुम हमारे पास आ जाना, तब हम तुम्हें हरि के चरणों तक जो भजन करोगे करवाएंगे। अब वो छोटा सा वाला कह रहा, भगवान पहली बात बताओ कि ये प्यार क्यों करवाया, और अगर प्यार करवा ही दिया तो ये बंधन क्यों डलवाया। पहले तो कथा सुनवा के प्यार करवा देते हो फिर ये बंधन भी डलवा देते हो। बच्चों की भगवान जल्दी सुनते हैं। एक दिन उनकी माँ दूध निकालने गई गाय का, सर्प ने डस लिया और गोविंदाय नमो नमः अंतिम क्रिया करके अपने माँ की, बच्चा चला भगवान का भजन करने। कटी के बराबर जल में खड़े होकर भगवान की घनघोर तपस्या कर रहा है, घनघोर तपस्या कर रहा है, तपस्या करता गया करता गया। एक दिन आकाशवाणी हुई, बोलो वरदान मांगो। बोले एक ही वरदान है, हमारा दर्शन दे दो। बोले अभी नहीं, हम तुम्हें वरदान देते हैं, अगले जन्म में तुम हमारे ही पार्षद बनोगे। तो वही बालक देवऋषि नारद के रूप में आज जाने जाते हैं, वही बालक देवऋषि नारद के नाम से जाना है। खिदमत कर फकीरों की, संतों की सेवा करोगे तो हरि का दर्शन होगा, हरि से मिलन होगा, हरि से प्यार होगा। और राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से। तब वेदव्यास जी महाराज ने नारद जी के कहने से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, और वही भागवत महापुराण आज यहां पर विराजमान है। जिस भागवत को श्रवण करने के लिए आप यहां पर पधारे हुए, ये किस्मत वाली बात है। बदकिस्मतों को भागवत नसीब नहीं होती। पहली बात, वो यहाँ आ नहीं सकते, आ जाएं तो यहाँ बैठ नहीं सकते, बैठ भी जाएं तो पूरी कथा नहीं सुन सकते। यहाँ पर शुरू से लेकर आखिर तक जो लोग बैठते हैं वो तो मेरे राधा रानी के परम 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 कृपा पात्र हैं। आप लोग यहाँ बैठे हो,
ये अपना कोई बड़ा काम मत समझना, ये ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा ही समझो। वरना पटना में इतने ही लोग तो नहीं जो इस कथा पंडाल में समा जाए, इतने ही लोग हैं? जवाब दीजिए। और इतना भी हमें पता है सारे पटना से नहीं है, कौन कौन पटना से बाहर से आए हैं? देखिए, शॉपिंग करने आए थे कि कथा सुनने? कौन कौन कथा सुनने आए हैं? नहीं नहीं, जो पटना से बाहर आए सिर्फ उनसे हाथ उठा रहे हैं। ये देखिए कितना लोग आया है, कितना लोग। और ये किसी नेता की रैली नहीं है, जो ट्रेन फ्री था, बस फ्री था, टेम्पो फ्री था, ये ठाकुर जी की कथा है। यहां पर कुछ भी फ्री नहीं था, फिर भी मन फ्री था, इसलिए ठाकुर की कथा में चले आए। क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से। तो आप सबसे निवेदन है, आप सभी लोग, यू आर सेलेक्टेड बाई कृष्णा, यू आर स्पेशल पर्सन, भगवान के द्वारा सेलेक्ट किए गए हो, इसलिए इस पावन मास में आप भगवान की कथा सुन रहे हो, वो भी संपूर्ण। एक बात और बोले देता हूं, शुरुआत के दो दिन में आपका मन नहीं लगेगा कथा में, पाप ज्यादा है ना, फाइट करना पड़ेगा। दो दिन फाइट कर ले, तीसरे दिन से मैं गारंटी लेता हूं तेरा मन तेरे घर में नहीं लगेगा। सिर्फ दो दिन फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि दो दिन की कथा सुनने पर तेरे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। तीसरे दिन से निष्पाप हो गए, तू कथा में स्वयं भाग के आएगा। लेकिन अगर बीच में ही हार गए तो, उठ के चले गए तो, बोले फिर अपनी गारंटी नहीं साहब। आज आया है तो कल और जिद करना, कल आया तो आज पूरी जिद करना, दो दिन जिद करना, तीसरे। और जो जिन्होंने पिछली बार जिद कर ली थी उनको जिद नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ रही है, लग रहा है कि नहीं मन? हो क्यों इतना इतराए रे, गाएं कि नहीं? एक तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, वो बड़ा गड़बड़ करते हैं। सब लोग मत नृत्य कीजिएगा, कुछ लोग ही हैं। हरि वो के पुतले हो, माटी के पुतले, माटी के पुतले हो, माटी के पुतले हो, माटी के पुतले हो, माटी के पुतले, माटी के पुतले हो, माटी के पुतले हो, तेरा हो, तेरा हो, तेरा जीवन बीता जाए रे।
भैया, जब हम लोग नहाने जाते हैं तो ब्रांडेड साबुन यूज करते हैं, हाँ या नहीं? हम और साबुन यूज नहीं करते, आई यूज टू दिस साबुन, है ना? लेकिन जब चिता में चढ़ जाए काली घाट पे, अरे बैठ जाओ, वही घाट जहां सब जलाए जाते हैं, वहां जल जाए और फिर मरने के बाद चिता को राख को लेके उस पर साबुन लगावे ब्रांडेड, काम होगा? बोलिए, राख वाइट होगा, होगा कि नहीं? जिस तन को तू रोज सजावे, जिस तन को तू रोज सजावे, ओ मल मल सावन रोज नहावे, मल मल सावन रोज नहावे, हो ये तो यही पड़ा रह जाए, ¡Gracias!
मिलेगा सांवरिया, बजेगी बांसुरिया, जन्म अनमोल रे राधे राधे बोल रे, जन्म अनमोल रे राधे राधे बोल रे, जन्म अनमोल रे राधे राधे बोल रे, राधे राधे बोल रे, राधे राधे बोल रे। तुम सब खड़े क्यों हुए थे? अरे हम तो वैसे जरा चकाचक करने गा रहे थे और तुमने वो ब्रज जा। और एक बार जोर से हो जाए एक बार, अरे श्री राधे नाम को जरा जोर से गुंजायमान करिए, ब्रज जाए। महाभारत का प्रसंग, महाभारत में क्या है? महाभारत में लोभ की लड़ाई है, लालच की लड़ाई है। दुर्योधन है जो लालची है, और द्रौपदी जब बोलती है तो बिना सोचे बोलती। द्रौपदी दुर्योधन से कहती है तेरा बाप भी अंधा और तू भी अंधा, और दुर्योधन कहता है मैं अपने पांचों भाइयों को कुछ भी नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, बिना युद्धे न कही सभा, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा पांडवों को। युद्ध करो, युद्ध में मुझे हराओ और सब कुछ ले लो, सब कुछ, लेकिन बिना युद्ध के नहीं। श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर गए, शांति दूत का मीनिंग है कि सबको शांति का पाठ पढ़ाना, किसी को भी अशांति के लिए प्रोत्साहित न करे। श्री कृष्ण सबसे बड़े शांति दूत है। कृष्ण ही है जो नहीं चाहते कि महाभारत का विशाल युद्ध हो, क्योंकि जानते हैं जब यह युद्ध होगा तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकेगा, इतने लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे। और कहीं ये जगत वाले ये न कह दें कि कृष्ण ने कोई काम नहीं किया जिसे युद्ध ना हो उसे रुकवाने का, इसलिए स्वयं श्री कृष्ण युद्ध रुकवाने के लिए दुर्योधन के पास में गए थे। दुर्योधन से कहा युद्ध मत करो, युद्ध करना ठीक नहीं है, तुमको लगता है कि आधा राज्य नहीं देना तो मत दो, पांच महल दे दो, पांच महल नहीं दे सकते तो पांचों पांडवों को पांच गांव दे दो, पांच गांव नहीं दे सकते तो पांच घर दे दो, पांच घर नहीं दे सकते तो पांच झोपड़ी ही दे दो। दुर्योधन कहता है सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा जब तक लड़ नहीं लूंगा। देखे भैया, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। अच्छे लोग उन्हें कहते हैं जो किसी की अच्छी बात को बड़ी आसानी से मान लेते हैं, और बुरे लोग उन्हें कहते हैं कि किसी की अच्छी बात नहीं मानते, बुरी बात अपने ऊपर रखते हैं। जो किसी की बात नहीं मानते ना, उन्हें दुष्परिणाम अपनी जिंदगी में झेलना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा इतिहास कह रहा है, इतिहास पढ़ो। श्री कृष्ण बोले यह धर्म है, तुम भाइयों का सब कुछ छीन रहे हो, क्या तुम नहीं जानते यह धर्म है? बोले हाँ जानता हूं, आई नो वेरी वेल, दिस इज अ सिन, बट आई एम सॉरी, ये मेरा स्वभाव है। जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति। मैं धर्म भी जानता हूं, मुझे मालूम है मेरे भाई धर्म कर रहे पांडव, लेकिन मैं धर्म करूं ऐसा मेरा स्वभाव नहीं। ध्यान से सुनना भाई, अधर्मी आदमी भलीभांत जानता है कि वो अधर्म कर रहा है, जानता है कि नहीं, फिर भी अधर्म करता है कि नहीं। दुर्योधन कह रहा है मुझे मालूम है कि अधर्म है, पर मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव नहीं है धर्म करना, और मुझे मालूम है कि मैं अधर्म कर रहा हूं और यह अधर्म है, पर मैं इसे छोड़ नहीं सकता, धर्म को पकड़ नहीं सकता, अधर्म को छोड़ नहीं सकता, यह मेरा स्वभाव है। ध्यान से सुन लीजिए मेरे भाई बहन, वस्त्र बदले जा सकते हैं, स्वभाव नहीं। आप बदलने जाओगे तो वस्त्र बदल सकते हो, श्रृंगार बदल सकते हो, गाड़ी बदल सकते हो, मोबाइल बदल सकते हो, मकान भी बदल सकते हो, लेकिन जिसे आप नहीं बदल सकते उसका नाम है स्वभाव। स्वभाव को बदलने में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, चाहे स्वभाव अपना हो
चाहे स्वभाव दूसरे का। हमारा स्वभाव है गंदगी में मन लगाना, उसी स्वभाव को बदलना है, उसी स्वभाव को, उसी गंदगी से अपने आप को बचाना है। और ये एक दिन का काम नहीं है, एवरीडे रूटीन हो जाए ये, कि हमें अपने गंदे विचारों को बदलना है। अब मैं अपनी गंदगी से मुक्ति पानी। दुर्योधन कहता है मेरा स्वभाव है अधर्म करना, मैं नहीं बदल सकता, और इसीलिए महाभारत का युद्ध हुआ। इतना बड़ा युद्ध, इतना विकराल युद्ध हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं, कितने लोग मरे किसी को पता नहीं। अब महाभारत की कथा सुनाने जाएं, युद्ध की कथा सुनाने जाएं, तो बहुत समय लग जाएगा, और आप पे समय है नहीं। आप लोग सब बिजी है, इसलिए यही कहेंगे सत्यमेव जयते। क्या ये किसी कार्यक्रम का नाम नहीं है? ये हमारे भारत का संविधान है, हमारे धर्म की जड़ है। क्या है? सत्यमेव। जो दिन रात दुष्कर्म करते हैं वो सत्य का मेव जयते, तीन तीन शादी करने के बाद भी सत्य मेव जयते। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। और दुर्भाग्य देखिए, ऐसे लोगों की बात समझ में आ जाती हमारे में। मुझे तो लगता है कि पहले प्रचारक बनने से पहले किसी बॉलीवुड में जाके हीरो हीरो बनो कुछ। जब हीरो वीरो बन जाओ तब जाके लोग तुम्हारी बात मानेंगे कि हाँ नहीं ये बात सही। क्यों? बोले कि हीरो ने कह दी। अरे तुम्हारा भगवान भला करे, धर्म की बात को जानो, धर्म को ही मानो, चाहे वो कोई भी कहे। मैं ये नहीं कहता कि मैं धर्म की बात करता हूँ, कोई भी कहे, कोई भी, इवन तुम्हारे माँ बाप कहे या तुम्हारे बच्चे कहें, तुम्हारा पड़ोसी कहे या तुम्हें न जानने वाला कहे, जो भी धर्म की बात तुमसे करे उसकी बात स्वीकार कर लो, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हें बचा लेगा, हर जगह से धर्म तुम्हें बचा लेगा, तुम्हें बुरा फंसने नहीं देगा धर्म। इसलिए धर्म की रक्षा करो। अंत तो गत्वा सत्यमेव जयते, पांडवों की विजय हुई। और कौरव, दुर्योधन, पापी 100 थे, सबके सब मारे गए। पांडव 5 थे, एक को भी कुछ नहीं हुआ, एक को भी नहीं। पुण्य देखने में, धर्म देखने में छोटा लगता है, लेकिन वो मिटता नहीं है कभी। अधर्म देखने में बड़ा लगता है, लेकिन वो बचता नहीं है बिल्कुल भी। अधर्मी बच नहीं सकता, यही भगवान का सिद्धांत है, नियम है, रूल है। इसलिए धर्म के पथ पर चलना। अब भगवान श्री कृष्ण ने जब पांडवों की विजय दिलाई तो श्री कृष्ण कुंती से मिलने के लिए गए, और कुंती से कहा, हे कृष्ण, कृष्ण ने कुंती से कहा, भुआ मैं अब द्वारका जाना चाहता हूं, मेरे द्वारका जाने से पूर्व तुम कोई वरदान मांग लो। कुंती ने कहा, मैं जो मांगूंगी दे दोगी कृष्ण? बोले अवश्य भुआ, आप मेरी भुआ हैं, आप जो भी मांगोगी मैं आपको दूंगा। तो कृष्ण से कुंती कहती है, हे कृष्ण, अगर देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, मुझे सुख नहीं चाहिए। हम लोग भगवान से क्या मांगते हैं? जवाब दीजिए, क्या मांगते हैं? सुख मांगते हैं ना। और भगवान ने वो दिया भी जो तुमने मांगा, लेकिन आज तक सुखी हुए हो? हुए हो क्या? क्यों नहीं हुए? भगवान ने तो वो सब दे दिया जो तुमने मांगा था। गाड़ी मांगी, गाड़ी दे दी, मकान मांगा, मकान दे दिया, जॉब मांगी, जॉब दे दी, जो कुछ भी आपने मांगा, जो कुछ भी, मेरे ठाकुर ने वो सब दिया, लेकिन इसके बावजूद भी आप सुखी नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि हम अभी जानते ही नहीं सुख कौन से रास्ते पे मिलता है। जिन रास्तों पे हम सुख की इच्छा करते हैं वहां हमें सुख नहीं, वो तो सुख के साधन है। मकान सुख का साधन, सिर्फ साधन है, सुख नहीं है। गाड़ी, बंगला, जॉब, बिजनेस, पैसा, बेटा, बेटी, ये सिर्फ साधन है, सुख नहीं है। यहां पर आप जमीन पर बैठे हुए हो,
कौन कौन चाहता है कि कथा में जस्ट अभी समाप्त कर दूं, पूर्ण कर दूं? कौन कौन चाहता मैं अभी पूरी कर दूं? चलो आरती करते हैं। कौन कौन तैयार है? क्यों क्यों तैयार नहीं? वैसे भी टाइम हो गया, 6:45 हो गए, थोड़ा 15 मिनट पहले कर, 25-35 थोड़ा पहले कर देते। बोले नहीं, जो तार लगा है, जो आनंद है, जो सुख है, उसे रोको मत, उसे चलने दो। सच्चा प्रेमी तो ये भी नहीं चाहता कि 7 बजे तक भी कथा पूरी हो जाए। सच्चा प्रेमी तो चाहता है बस चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरौ रसिका, भूभी भावुका, भावुका रसिका। रसिक, भावुक, भक्त, समर्पित प्रेमी जन कभी नहीं चाहते कि भगवान की कथा कभी रुके। और जो टाइम सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, वो तो यही नहीं चाहते कि कथा हो, वो तो चाहते हैं यहां सब हो ही ना। जब कोई डांस पार्टी वगैरह होती है, रात के कितने बजे तक चलती है? कितने बजे तक बोलिए? 12 बज गए पर पार्टी अभी, 4 बज गए पर। तो कम मरे को घट जाए के घर वाले तो मारेंगे तुम्हें, जल्दी जा, 4 बज गए अब तो। बोले पार्टी अभी बाकी है, पूरी कर ले, बाकी क्यों रिंदे रहो, खत्म कर। नहीं खत्म हो ही नहीं रही। क्यों? बोले पापी है, पार्टी अभी बाकी है। क्यों? कि ये तो बहुत बड़ा पापी को पार्टी में मजा आता है और धर्मात्मा को भगवान की कथा में आनंद आता है। जैसे पापी चाहता है पार्टी चलती रहे, वैसे ही भक्त चाहता है मेरे ठाकुर की कथा चलती रहे, हरि की कथा चलती रहे। भक्त कभी नहीं चाहते कि कथा पूरी हो जाए, भक्त तो यही चाहते हैं तब कथा अमृतम तृप्त जीवनम। हे प्रभु, हे हरि, आपकी कथा सुनकर जीवन आनंदित हो जाता है, यही सच्चा सुख है। जब भगवान की कथा आप सुनते हो तो ये यहां भी सुख देती है और वहां भी सुख देती है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। ए भजन सुनते हो कि नहीं? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान के चरणों में ही सच्चा सुख है। दुनिया में तो सुख के साधन जिनमें हमारा वासना घुसा पड़ा है वो हमको साधन दिखता है, सुख नहीं है। इसलिए कुंती कह रही है कृष्ण मुझे दुख दे दो। क्यों? बोले जब तक मैं दुनिया में रहूंगी दुखी रहूंगी, और जब तक दुखी रहूंगी तब तक तेरा नाम ही लेते लेते पर करेंगे। एक बार एक पंक्ति गुनगुनाएंगे सभी। तेरा नाम ही लेते लेते हो, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले मुझे दो ऐसा वरदान, मुझे दो ऐसा वरदान। ना जाने कब कौन घड़ी में तेरा बुलावा आ जाए, मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन ना करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान, मुझे तो ऐसा वरदान।
सच्चा सुख क्या है? भगवान के चरणों में बैठकर भगवान की कथा सुनना, भगवान के गीत गाना, यही सच्चा सुख है। इससे बड़ा सच्चा सुख कहीं नहीं। ईंट पत्थर से बना तुम्हारा मकान तुम्हें सुख नहीं दे सकता, लोहे लंगड़ से बनी तुम्हारी गाड़ी तुम्हें सुख नहीं दे सकती, हाड़ मांस का ये पुतला तुम्हारा बेटी बेटा तुम्हारा शरीर तुम्हें कभी सुख नहीं दे सकता। सच्चिदानंद परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर श्री कृष्ण की जब शरण ग्रहण कर लोगे तभी तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा, उससे पहले कोई सुख ही नहीं मिल रहा। कुंती कहती है दुख दे दो, क्यों? बोले कि माया आएगी ना मैं तुम्हारा नाम भूल जाऊंगी। माया का पहला काम ही है माधव को भुला देना। आप लोग देख लीजिएगा पैसे वालों को, ज्यादा भगवान के प्रति समर्पित नहीं होते। बोले कई तो होते हैं, बोले वो करोड़ों में कोई एकाद होता है, करोड़ों लाखों में नहीं, करोड़ों में कोई एकाद ऐसा होता है कि पैसा तो है, संपत्ति तो है, मान तो है, सम्मान तो है, इसके बावजूद भी ठाकुर से सच्चा प्यार है। ये करोड़ों में से कोई एकाद है, सारे नहीं होते। धन के आते ही सर घमंड में चूर हो जाता है, मान सम्मान मिलते ही जीव अभिमानी हो जाता है, थोड़ा सा कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो जीव भगवान से दूर हो जाता है। यही सच्चाई है मेरे बाबा, ये सच्चाई है। श्री कृष्ण कहते हैं भुआ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे पुत्रों को राज्य मिलेगा, तुम्हें सुख मिलेगा, लेकिन उस सुख में भी तुम कभी हमारा नाम नहीं भूलोगी, ये हमारा आशीर्वाद है, हमारा आशीर्वाद है। जितने भी धनवान यहां बैठे हैं भगवान तुम्हें दे दे, भगवान की कृपा से तुम्हारे पास सब कुछ हो, तो भगवान से एक ही प्रार्थना करना, प्रभु मुझे सच्चाई के मार्ग पर ही चलाना, तेरे चरणों से कभी मन दूर ना हो जाए, मैं तुमसे दूर जाऊं मैं कभी इतना मजबूर ना हो जाऊं, ऐसा बनाए रखना, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े आप अपने चरणों में लगाए रखना। तो ये भाव कुंती ने जब प्रकट किया तो श्री कृष्ण कहते हैं तुम धनवान तो होगी लेकिन अभिमानी नहीं होगी, तुम्हारा मन मेरे ही चरणों में लगा रहेगा। ऐसे कह के श्री कृष्ण जब जा रहे थे तो उसी समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और कहा हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। पूछा क्या बात है? बोली कोई शक्ति है जो मेरे गर्भ में स्थापित मेरे शिशु को नष्ट कर देना चाहती है। भगवान ने अंगुष्ठ के समान स्वरूप धारण किया और गर्भ स्थान में पहुंच गए और गर्भ स्थान में पहुंचकर उस शिशु की रक्षा की। कहां पहुंचे? गर्भ में। लिसन टू मी माय डियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय एवरी वर्ड्स इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड। ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? कहां चले गए? गर्भ में। गर्भ में कहा? जहां मां का मलमूत्र है। भगवान को जब भी इस धरा धाम पर आना होता है तो भगवान मां के गर्भ में नहीं जाते, कभी भी नहीं। मां के गर्भ में नहीं जाते हैं परमात्मा, तब बोले वो प्रकट होते हैं। बोलिए जन्म लेते हैं कि प्रकट होते हैं? जोर से बोलिए, प्रकट होते हैं ना। हम और आप क्या करते हैं? हमारा और आपका जन्म होता है और परमात्मा भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्यादगारी हर्षद मेदारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विजारी। भगवान प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं तो इसका मतलब है मलमूत्र में नहीं जाते। जहां शिशु रहता है 9 महीने तक वहां माँ का मलमूत्र होता है। क्या सच्चिदानंद भगवान मलमूत्र में जाएंगे? नहीं। तो बोले साहब माँ को तो ये फील होता है कि गर्भ में कोई है? बोले हाँ बिल्कुल होता है। बैलून देखा? बैलून, गुब्बारा, गुब्बारा देखा है? कैसा, पैकेट में बंद या फूला हुआ? जवाब दीजिए। पैकेट में बंद भी देखा है? उसमें क्यों कि कुछ नहीं होता, वो फूलता कब है?
जवाब दीजिए, बैलून फूलता कब है? जब उसमें हवा भर दी जाती है। अब हवा कैसी होती है? रेड एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, येलो एंड ग्रीन एंड व्हाट? हवा कैसी होती है? उसमें हवा दिखती है, दिखती है, देख सकते हो, हवा का फोटो खींच सकते हो। इसका मतलब जो दिखे ना वो है ही नहीं। अब हवा जब दिख ही नहीं रही तो इसका मतलब उसमें कुछ है ही नहीं। बोले नहीं है तो सही, हवा है तभी तो फूला। अरे बोले है तो दिखा तो दे। बोले दिख नहीं सकती पर है। तो ध्यान से सुन ले, जो दिख नहीं सकती पर है वही है भगवान की माया। क्या है? भगवान की दिखती नहीं है पर है। और कईयों के लिए माया कैसी है? बोले है पर दिखती नहीं। और कईयों को दिख रही है पर मिलती नहीं। वैसे ही जिस भगवान की माया दिखती नहीं है फिर भी तुम कह रहे हो है, वैसे ही कई लोगों को भगवान दिखता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं है। जैसे भगवान की माया नहीं दिखती है पर है, वैसे ही परमात्मा चाहे दिखे या ना दिखे लेकिन परमात्मा था, है और रहेगा। क्या बोलना पड़ी? ऐसन बोलेंगे क्या बात करते बबुआ? तब भगवान एक बात और बोल दे रहे हैं, जो भगवान स्वयं प्रकट होने के लिए कभी माँ के घर में नहीं जाते, वही भगवान जब देखते हैं कि मेरे भक्तों पर संकट आ गया तो वही परमात्मा एक उस गर्भाशय में पहुंच गए, उत्तरा के मलमूत्र में पहुंच गए और मलमूत्र में पहुंचकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। ऐसे दयालु हैं मेरे ठाकुर। फिर वो जगह नहीं देखते, स्थान नहीं देखते, व्यवस्था नहीं देखते, अरेंजमेंट नहीं देखते। जब परमात्मा को कोई प्रेम से पुकारे तो पहुंच जाते हैं। बोलो राधे। अच्छा एक बात बताइएगा माय डियर, जो भगवान परीक्षित की रक्षा करने के लिए, जो परमात्मा परीक्षित का प्राण बचाने के लिए उत्तरा के गर्भ में पहुंच सकते हैं, का वही परमात्मा आपकी भावना को पूर्ण करने के लिए पाटलिपुत्र की ये राजधानी पटना में नहीं आ सकते हैं? का आ सकते हैं कि नहीं? जो गर्भ में जा सकता है वो पटना में नहीं आएगा? आएगा, लेकिन कोई बुलाने वाला चाहिए, कोई दीवाना चाहिए, कोई मस्त मौला चाहिए, कोई ऐसा प्रेमी चाहिए जो दिल से पुकारे तो वो मेरा कन्हैया अपने लोक में रुक ना सके, वो पटना तक पहुंचे, दौड़े, मिले, हम सबकी मनोकामना को पूरी करे। तुमको लगता है नहीं है वो यहां? नहीं है। अब वो ये तो कहेगा कि नहीं मैं भगवान हूं, बैठा तो वो हम सभी के बीच में है, देखने वालों की नजरों में ताकत हो तो उसे देख ले, बैठा है यहीं पर, जब भागवत की स्थापना हुई थी उसी समय से बैठा है। ये अकाट्य सत्य है, कोई झुटला नहीं सकता। अकाट्य सत्य है, कोई झुटला नहीं सकता। बस उसे कोई देखने वाला हो, उनकी आंखों में वो नूर हो जो उसे देख सके। तो जो उस परीक्षित की रक्षा करने के लिए गर्भ में पहुंच गया मेरे भाई बहन, वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए पूरे बिहार के किसी गांव में पहुंच जाना जहां पक्की सड़क नहीं है वहां भी पहुंच जाएगा, वो हर जगह पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे कोई जगह दूर नहीं। तो मेरे प्यारे, परीक्षित का जन्म हुआ, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और एक वक्त वो भी आ गया जब भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप को विराजमान कराकर पृथ्वी से अपने लीलाओं को विश्राम कराकर चले गए। तो जब पांडवों ने यह सुना कि श्री कृष्ण चले गए
तो पांडवों ने भी राज्य का परित्याग किया और परीक्षित को राज्य देकर वो लोग भी हिमालय की कंदराओं की ओर बढ़ने लगे। परीक्षित को राजा बना दिया गया। मैं आप सबसे एक प्रार्थना करूंगा, यहां से कलयुग की कथा शुरू हो रही है। आप सबसे मेरा प्रार्थना है, निवेदन है, यहां से आगे जो भी 15-20 मिनट कथा हो एकदम मन लगाकर सुनना, एक सेकंड भी तुम्हारा ध्यान इधर उधर न जाए, क्योंकि मैं जो ये कथा सुनाने जा रहा हूं ये कलयुग के लोगों की कथा है, कलयुग की कथा है। और कलयुग में हमें ये पता होना चाहिए कि हम कैसे भगवान तक पहुंच सकते हैं, एकदम ध्यान लगाकर। और जब भी व्यासपीठ से विशेष कोई संवाद सुनाया जाए, कहा जाए कि ध्यान लगाएं, तो इसका मतलब ध्यान लगाएं, क्योंकि वो विशेष होगा कुछ। हम कलयुग के लोग हैं भाई, और कलयुग के लोगों को कलयुग की कथा ज्यादा सुननी चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारे कल्याण का रास्ता कहां से खुलता है। एक समय की बात है, परीक्षित जी महाराज कहीं से भ्रमण करते हुए आ रहे थे, और जब कहीं से भ्रमण करते हुए आ रहे थे तो उन्होंने एक दृश्य देखा। तत्र गोमिथुनम राजा हन्यव मानव नाथवत दंड हस्तम च ब्रशलम दद्रसे नृपलांछनम। एक गाय को और एक बैल को एक काला सा व्यक्ति हाथ में शस्त्र लेकर ऐसे पीट रहा है जैसे उनका कोई स्वामी नहीं, जैसे उनका कोई मालिक नहीं। जब इतनी जोर से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है तो परीक्षित से देखा नहीं गया। परीक्षित ने सारथी से कहा रथ रोको, रथ रुकवाया और दौड़कर उस जगह पर पहुंच गए। जब वहां जाकर पहुंचे तो उस राजा धर्मात्मा राजा को आया हुआ देखकर वो व्यक्ति जो गाय को और बैल को मार रहा था वो दूर हटकर चला गया। और राजा ने उन दोनों को प्रणाम किया और दोनों को प्रणाम करके पूछा, ये कौन है जो आपको मार रहा है, आप इसकी मार क्यों सह रहे हो? तो बैल बोला, हे महाराज, ये जो हमें मार रहा है ये कलयुग है, और हम जो हैं बैल के रूप में हम धर्म हैं, और हम उस बैल के तीन पैर टूटे हुए हैं, एक पैर पे खड़ा हुआ है और उसी एक पैर पे चोट बार बार कलयुग किए जा रहा है। जो एक पैर सुरक्षित है उसी एक पैर पर बार बार चोट किए जा रहा है, बार बार चोट किए जा रहा है। एक पैर, चार पैर कौन से हैं धर्म के हैं? कौन से हैं चार पैर? तप, दया, दान और शौच, ये चार पैर हैं धर्म के। तपस्या से धर्म स्ट्रांग होता है, पवित्रता जीवन में होती है तो धर्म स्ट्रांग होता है, दया से धर्म स्ट्रांग होता है। जब वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। अब एक बात बताइए, आजकल कौन दया करता है किसी पे? हमारे सामने रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है और हम लोग अपनी गाड़ी पे ब्रेक भी नहीं लगाते, हमारी सेवा से वो बच सकता है, हमारी हेल्प से वो बच सकता है, लेकिन अरे कौन पड़े पचड़े में ये कहकर चले जाते हैं और उसको हॉस्पिटल पहुंचने में देर होती है और वो मर जाता है। किसी प्राणी के अंदर दया नहीं रही, किसी के भी अंदर दया नहीं। मैं देर से पहुंचूंगा तो मेरा काम। और कितनी माताएं बहन ऐसी हैं, कितने भाई ऐसे हैं जिनके अपने सिर्फ इसी वजह से मर गए क्योंकि उनकी मदद किसी ने नहीं की, क्योंकि दया नहीं है किसी के अंदर। दया भाव बिसरायो मूरख बंदे पाप तूने कमायो। दया भाव बिसरा, दया का एकदम से मैं ये कह सकता हूं 90% दया समाप्त हो चुकी है। पवित्रता है ही नहीं। पवित्रता है बोलिए। पहले हाथ हम लोग मिट्टी से मांजा करते थे, साफ कर देते ना, शौच इत्यादि जाके मिट्टी से, और अब किससे साफ कर दे? साबुन से। और कई लोग तो साबुन ही नहीं लगाते, बस जल डाला और खत्म। शौच पवित्रता समाप्त हो गई। तपस्या, कौन व्यक्ति है जो तपस्या कर सकता है? 24 घंटे भी हम एक पैर पे नहीं खड़े रह सकते, 24 घंटे। और हमारे ऋषि मुनि जिनके शास्त्रों पर हम डाउट करते हैं, जिनके पुराणों पर हम संदेह करते हैं,
वो हजारों हजारों वर्ष तपस्या करके इतनी शक्ति अर्जित की कि उसके बाद वो शास्त्र लिख सके, पुराण लिख सके, ज्ञान प्राप्त कर सके। और एक दिन भी तपस्या न करने वाला इंसान उन पे डाउट करता है, संदेह करता है, ये पाप की ही तो भरमार है, ये कलयुग की ही तो मार है। खूब पाप करने वाला पुण्य करने वालों को पाखंडी कह देता। कई बार मैं टीवी चैनलों पर जब बहस देखता हूं ना, जो निखालस अपने मां के दूध को लज्जित करने वाला इंसान है, वो व्यक्ति भी धर्म के धर्म करने वाले लोगों पे उंगली उठाता है। जिसने जिंदगी में कभी अच्छे काम नहीं किए, वो व्यक्ति अभी एक दो दिन कुछ टाइम हो गया एक चैनल पे ऐसा आ रहा था, उसने सभी को कह दिया सनातन धर्म को मानने वाले लोग पाखंडी है। सबको कहा, और दुर्भाग्य इस देश का कि सनातन धर्म के चाहने वाले भी उस टीवी चैनल पर बैठे हुए थे और किसी ने कुछ नहीं कहा और एक व्यक्ति बोल के चला गया। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते, अपने धर्म के बारे में नहीं सोचते। अगर उस टीवी चैनल पे मैं होता, भगवान जाने के मैं क्या कर बैठता ये सुनने के बाद। लेकिन आप पर कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी पे। जो सबसे बड़े अधर्मी हैं वही धर्मात्मा पे उंगली उठाते हैं, जो कभी एक माला नहीं करते वो धर्म की निंदा करते हुए फिरते हैं, वो संदेह करते हैं। यही कलयुग का प्रभाव भी है, यही कलयुग का प्रभाव है। धर्म से जिनकी भावना दूर हो जाए वही कलयुग के मारे हैं। और तुम लोग क्या कम हो? दूसरा कोई व्यक्ति धर्म को जानने वालों की बुराई करे तो बड़े चस्का ले लेके सुनते हो, पाप लगता है, इतना नहीं जानते हो क्या? जो बुराई करे या तो उसकी जीभ खींच लेनी चाहिए, और अगर जीभ ना खींच सको तो अपने कानों में उंगली डाल के निकल जाना चाहिए वहां से। कौन हो तुम जो हमारे धर्म की बुराई करते हो? तुम लोग धर्मात्मा नहीं हो सकते, वो लोग अधर्मी है, पापी है, दुष्ट है, राक्षस है, पूर्व जन्म के पाप उदय हो गए जिसकी वजह से वो सनातन धर्म से जुड़े अथवा धर्म की भी बुराई करते हैं। Who are you? तुम्हें अधिकार किसने दिया? मेरे भाई बहन, अगर तुम धर्म को बचा नहीं सकते तो कम से कम धर्म को गिराने की कोशिश मत करिए। बुराई सुनना भी धर्म को गिराना ही है। एक कहावत सुनी होगी ना, पाप करने वाला अगर पापी है तो पाप सहने वाला भी है कि नहीं? जोर से बोलिए। तो तुम कौन हुए? बोलिए ना, अब क्यों शर्मा गई? धर्म के लिए कुछ जागृति चाहिए, ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए कि जब एक बार आप वो कोई बोले और आपका जवाब जब वो सुन ले तो दोबारा आपके सामने न पड़े, ऐसा जवाब उसे मिलना चाहिए पापी को। लेकिन कलयुग में धर्म की बुराई होती ही है। तप, दया, शौच, ये तीनों गायब है। अब क्या बचा है कलयुग में? धर्म का एक चरण बाकी है, वो है दान। क्या बाकी है? जोर से बोलिए। जब आप जैसे परम पवित्र लोग कुछ दान देते हैं तब जाके धर्म को बढ़ावा मिलता है। कैसे? बोले देखो ये यज्ञ, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, किसकी वजह से? बोले कुछ दानियों ने ये निर्णय किया कि हम अपना धन यहाँ लगाएंगे, दान देंगे, तब जाकर ये यज्ञ होगा, और एक दानी की वजह से इतने लोग आनंद लेते हैं, फिर इससे धर्म का प्रचार होता है। ये सिर्फ एक चरण बाकी है, सिर्फ एक चरण। परीक्षित जी ने पूछा ये दशा किसने की? बोली कलयुग ने। गौ माता से पूछा माँ आप कौन है? बोले मैं गौ के रूप में पृथ्वी हूं। बोले आप किसकी वजह से दुखी है? बोले कलयुग की वजह से। आप भी? बोले हां मैं भी कलयुग की वजह से दुखी हूं। और आप देखिए पृथ्वी माँ क्या कह रही है। पृथ्वी माँ कहती है लोग पानी निकालने के लिए मेरा सीना चीरते हैं, मुझे तकलीफ नहीं होती। लोग अपना मकान बनाने के लिए मेरा सीना चीरते हैं, मुझे तकलीफ नहीं होती। लोग हमेशा जीवन भर मेरे ऊपर मलमूत्र त्यागते हैं, मुझे तकलीफ नहीं होती।
जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, तुम्हारे माँ तुम्हारे पिता कितने दिन मलमूत्र सहते हैं? जन्म से लेकर एक डेढ़ दो साल तीन साल चार साल के होकर तुम उनके ऊपर मलमूत्र त्याग दो तो चांटा पड़ता है गाल पे, पड़ता है कि नहीं? जवाब दीजिए, जवाब चाहिए, हाँ ना नहीं, फॉर्मेलिटी मत करिए, पूरा बोलिए हाँ या ना। माँ बाप थप्पड़ मारते हैं कि नहीं? इतना बड़ा हो रहा है, शर्म नहीं आती, बता नहीं सकता, हाँ ना? लेकिन जब तक मर न जाओ तब तक इस पृथ्वी पे मलमूत्र त्यागते हो। इस धरती को क्या कहते हो तुम? क्या बोलते हो? जोर से बोलिए। उस माँ के ऊपर उसके सीने पर मलमूत्र त्यागते हो, लेकिन माँ कभी उफ नहीं करती, कभी भी उफ नहीं करती, सब सह लेती है क्योंकि वो माँ है। यहां जितने भी लोग बैठे हैं ये मेरी बात से एग्री होंगे, कोई भी डिसएग्री नहीं होगा, सब एग्री होंगे। जब मलमूत्र त्यागते हैं हम लोग सब, तो कभी हम धरती माँ के बारे में कुछ नहीं सोचते। सोचा है कभी? कभी नहीं सोचते। माँ कहती है ये करते चले जाते हैं, ये मैं सहती हूं क्योंकि मैं माँ हूं, लेकिन मेरे से एक पाप नहीं सहा जाता, वो यह है कि ये बहन बेटियों को घर में ही मार देते हैं जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पैसे कमाने की खातिर बच्चों का किडनैप कर लेते हैं और उस बच्चे को यातना देते हैं, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। जब कोई भी जीव बच्चे को प्रताड़ित करता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और आप लोग देख लीजिए, तीन तीन साल के बच्चे सुरक्षित नहीं है तुम्हारे भारत में, जिनको हम लोग गंदा कहते ना, अमेरिका इंग्लैंड कैनेडा और वहां कभी तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हो सकता, लेकिन जिस देश को हम महान कहते थे, ऋषि मुनियों का देश कहते थे, आज इस देश में बाप के आगे बेटी भी सुरक्षित नहीं है। बोलिए, आप एग्री नहीं है मेरी बात से? मना करिए, नहीं है। किस वजह से? क्योंकि हम लोगों ने धर्म से पल्ला झाड़ लिया, हम भूल गए कि दूसरे की बेटी मेरी भी बेटी है, भूल गए कि दूसरे की बहन मेरी भी बहन है, भूल गए कि यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां देवियों का मान सम्मान होता है वहां पर हमारे देवता रमण करते हैं, ये बात हम भूल गए, क्योंकि धर्म को हम भूल गए, क्योंकि हम मॉडर्न हो गए, क्योंकि हम पापी हो गए। हम लोग दूसरे की बहन बेटी को नहीं बचा सकते, अपनी बेटी के लिए लड़ते हैं क्यों? है मेरे भाई बहन, अगर तुम दूसरे की बहन बेटी के लिए मान सम्मान के लिए लड़ोगे तो कभी तेरी बहन बेटी पर आंच ही नहीं आएगी, कभी आंच नहीं आएगी। जरूरी यह नहीं है कि तुम अपनी बहन बेटी के लिए लड़ो, भारत की हर बेटी को अपनी समझो और भारत की हर बहन को अपनी बहन समझो, फिर समझो, फिर लड़ाई लड़ो, देखते हैं दुष्ट कितने लोग आगे बढ़ेंगे, कोई नहीं आगे बढ़ पाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है, मुझे पैसे कमाने से फुर्सत नहीं, मुझे धर्म में जाने की फुर्सत नहीं, मैं किसी को अपना कह सकूं, समाज में कुछ सेवा कर सकूं, ये मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे भाई बहन, पृथ्वी माँ कहती है कि मैं बाल हत्या बर्दाश्त नहीं कर सकती। गौ माँ, सरेआम गऊ को काट दिया जाता है तुम्हारे भारत में, वो लीडर जो वोट की खातिर ऐसा गंदा घिनौना खेल खेलते हैं, मैं तो कहूंगा ये धर्म के द्रोही नहीं, ये देशद्रोही है, डायरेक्ट देशद्रोही है वो लोग। हम ये नहीं कहते कि तुम कुछ, अरे कुछ भी करो, लेकिन पहले गौ माता को बचाओ, गंगा माता को बचाओ, जमुना माता को बचाओ। जमुना बचेगी तो धर्म बचेगा, गाय बचेगी तो धर्म बचेगा, यमुना बचेगी तो धर्म बचेगा, और बेटी बचेगी तो देश बचेगा, और देश बचेगा तो तुम राजनीति करोगे, जब देश ही नहीं होगा तो राजनीति कहां करोगे तुम लोग? वोट बिल्कुल, सबको वोट चाहिए, वोट लीजिए, लेकिन गौ की कुर्बानी देकर नहीं, धर्म की कुर्बानी देकर नहीं, देश की कुर्बानी देकर नहीं। हे मेरे भाई बहन, तुम लोग भी गुनहगार कम नहीं हो,
चाहे मेरी जाति का व्यक्ति कितना भी निकम्मा बेशरम हो, मैं उसे वोट दे दूं? नहीं, पहले प्रॉमिस कराइए कि तुम्हें गौ बचानी पड़ेगी, पहले प्रॉमिस कराइए तुम्हें गंगा बचानी पड़ेगी, पहले प्रॉमिस कराइए कि तुम्हें हमारी बहन बेटी बचानी पड़ेगी। जब बहन बेटी बचाने की बात करोगे तो हम तुम्हें वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। यहां ताली बजा रहे हैं कई लोग और कई नहीं बजा रहे हैं। मुझे मालूम है क्यों नहीं बजा रहे हैं, क्यों? आप कहोगे हम तो कथा सुनने आए हैं, राजनीति करने नहीं आए। राजनीति क्या है? क्या है राजनीति? धर्म को मानने वाले ही राजनीति कर सकते हैं, जो धर्म को जानते नहीं वो सिर्फ करप्शन कर सकते हैं, वो सिर्फ घोटाले कर सकते हैं। जो धर्म को नहीं जानते वो सिर्फ घोटाले कर सकते हैं। हे मेरे भाई बहन, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं अपने कन्हैया की ही पार्टी का हूँ, और आप सबको भी उसी की पार्टी का होना चाहिए, सिर्फ उसी की पार्टी का। अगर तुम कृष्ण की कथा सुनने आए हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि गौ बचे। अगर तुम भागवत सुनने आए हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि गंगा यमुना बचे। अगर तुम भगवान से प्यार करते हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि दुनिया की नहीं, भारत की बहन बेटियां बचे, भारत की बहन बेटियां बचे, संसार की बहन बेटियां बचे। और ये तभी होगा जब वो लोग धर्म का सम्मान करेंगे। कौन कौन मेरी बात से सहमत है? धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। राजा ने कहा, माँ आप चिंता मत करो, इस कलयुग को मैं अभी मार देता हूँ। खड़ग निकाला, अब मारने के लिए तैयार हो गया। राजा परीक्षित ने जात पूछी थी क्या कलयुग से कि तू कौन सी जात का है? अगर मेरी जात का होगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, पूछा था क्या? नहीं। पृथ्वी माँ ने दुख बताया, बैल ने, धर्म ने अपना दुख बताया, झट खड़ग निकाल ली, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। कलयुग ने देखा ये धर्मात्मा है, ये मुझे मार ही देगा। बोले महाराज आप मुझे मारने से पहले कुछ बात सुन लीजिए। क्या? बोले आप मुझे मारना इसलिए चाहते हो क्योंकि आपको लगता है मैं पापी हूं? बोले हाँ। चिंता मत करिए महाराज, एक प्रार्थना सुन लीजिए, मुझ में भी कुछ अच्छाई है, तुम में अच्छाई, तुम में क्या अच्छाई? बोले है महाराज। क्या अच्छाई है? बोले सुनिए, सत्युग में तपस्या करो 60,000 वर्ष तक, तब जाके कहीं मुक्ति मिलती है। त्रेता युग में तपस्या करो 10,000 वर्ष तक, तब जाकर कहीं कल्याण होने के रास्ते खुलते हैं। द्वापर युग में 1,000 वर्ष तक तपस्या करो, तब कहीं जाकर कल्याण होने की उम्मीद जगती है। लेकिन कलयुग में जहां जीवन ही 100 वर्ष का है, और 100 वर्ष जीता कौन है, 60-70 में ही, उस कम समय में इतने दिन तपस्या करेगा कौन? तो कलयुग में बहुत सरल साधन है महाराज मुक्ति का। क्या है? हरे नाम एव, हरे नाम एव, हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। भगवान का नाम जपो और भवसागर से तर जाओ। एक और अच्छी बात बताऊं, एक बार बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए। पंडाल में ये सामने वाले टीवी पे देखना जरा, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, इनका काउंटिंग कर सकते हो तुम लोग? नहीं कर सकते हो ना? अब मेरी तरफ देखो, यहां पर जब एक बार राधे राधे बोलते हैं ना, तो जितने हजारों हजार लोग यहां पर बैठे हैं, जितने हजार लोग बैठे हैं, आपके परमात्मा के यहां पर जो बैंक है ना आपके नाम की, उस अकाउंट में उतने ही हजार नाम एक साथ जमा हो जाते हैं जितना सिर्फ आप बोलते हो एक बार। यहां होता है 1,000 बार। अगर इस समय यहां 20,000 से 25,000 लोग बैठे हैं तो 20-25,000 एक बार बोलने पर इतना नाम हो जाता है आपका जमा। ये फायदा है कलयुग में। कलयुग में एक और फायदा बताऊं, कलयुग में ही एक पुण्य प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। और तीनों युगों में मानसिक पाप लगता है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग। आपने पाप किया या नहीं किया, लेकिन मन में आ गया तो आपको पाप लगेगा।
लेकिन कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगता है। जब आप पाप कर दो तभी उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। बोलो राधे राधे। अरे जरा हो जाए चकाचक एक बार। मानस पुण्य हो ही नहीं पाए, यहाँ कलयुग में मानसिक पुण्य होता है इसलिए पाप नहीं होता है ना। तो आप लोग सब इतने अच्छे हैं, बोले राजा परीक्षित ने कहा तुम इतने अच्छे हो कलयुग तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। तो बोले रहने के लिए कुछ जगह दे देते हैं, वहां रहो तुम। कौन सी जगह? ध्यान से सुनो, कलयुग कहाँ रहता है? कहाँ रहता है कलयुग? जहां मदिरा पान करते हैं। कहाँ रहता है कलयुग? जहां पर हिंसा होती है। कहाँ रहता है कलयुग? जहां पर वैश्यागमन होता है। कहाँ रहता है कलयुग? जहां पर जुआ खेला जाता है। ये चार जगह पे राजा परीक्षित ने उनको दिया। तो बोले महाराज मेरी फैमिली बड़ी है, एक जगह मेरी मर्जी से दे दो। जो एक मर्जी, सिर्फ एक इच्छा। बोलो क्या? बोले स्वर्ण में निवास। तथास्तु कह दिया। राजा के सर पे बैठा और वहां जाके समीक ऋषि के गले में मारा सर्प डाल दिया। सांप लग गया। इतलंगित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनी। कलयुग का फल क्या है? बोले जिस जीव पर कलयुग हावी हो वो साधु संतों की बुराई करता फिरेगा, साधु संत ब्राह्मण धर्म का अपमान करता फिरेगा। ध्यान से सुन लीजिए, किस व्यक्ति के घर में कलयुग रहता है पहचान कैसे हो? जो व्यक्ति साधु संत ब्राह्मण धर्म शास्त्र इनकी बुराई करता हो अथवा उनकी बुराई सुनता हो तो यह समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में कलयुग वास कर रहा है। बोलो राधे राधे। राजा ने जैसे ही पता चला राजा को कि सातवें दिन तक्षक डस लेगा, उसी समय घर छोड़ा। मेरे श्याम चुनरिया ओढ़ी तेरे नाम की, मेरे श्याम चुनरिया ओढ़ी तेरे नाम की। लगन लग गई, लगन लग गई, लगन लग गई अब तेरे नाम की। लगन लग गई अब तेरे नाम की। मेरे श्याम चुनरिया ओढ़ी तेरे नाम की, ओ श्याम चुनरिया ओढ़ी तेरे नाम की। लगन लग गई, लगन लग गई, लगन लग गई अब तेरे नाम की। लगन लग गई अब तेरे नाम। अरे पिछली बार चुनरी कैसे ओढ़ते? ये तो पटना वाले अच्छे हैं, क्या साड़ी चुनरी सब रखते हैं। कई मेट्रो सिटियों में तो होता ही नहीं, तो तुम तो ढक लो। मेरे श्याम चुनरिया ओढ़ी तेरे नाम की, श्याम चुनरिया ओढ़ी तेरे नाम की। लगन लग गई, लगन लग गई, लगन लग गई अब तेरे नाम की। लगन लग गई अब तेरे नाम की। बना दिया मुझे बावरिया, बना दिया मुझे बावरिया, बना दिया मुझे बावरिया। मन मेरा चाहे कोई रहूं मैं तेरे प्यार में सांवरिया, प्यार में सांवरिया, प्यार में सांवरिया। ओ श्याम
बदली तेरे नाम की। लगन लग गई, लगन लग गई, लगन लग गई अब तेरे नाम की। लगन लग गई अब तेरे नाम की। यमुना तट पर गागर में, यमुना तट पे गागर में, यमुना तट से गागर में, हम तो डूबे काना तेरे प्रेम प्यार के सागर में, प्रेम प्यार के सागर में, प्रेम प्यार के सागर में। ओ श्याम, ओ श्याम जगरिया भर ली तेरे नाम की। ओ श्याम गगरिया भर ली तेरे नाम की। लगन लग गई, लगन लग गई, लगन लग गई अब तेरे नाम की। लगन लग गई अब तेरे नाम की। मेरे श्याम चुनरिया ओढ़ी तेरे नाम की। मेरे श्याम सुनरिया ओढ़ी तेरे नाम की। लगन लग गई, लगन लग गई, लगन लग गई अब तेरे। बोलना पड़ेगा तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। बोलिए तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। भजन गाऊंगा मैं बचा हुआ, जो बैठे उन्हें खड़ा करो। अरे सब नृत्य कर रहे, तुम भी कर। ठाड़ी है जा, दो चार इंच कम है जा, को भजन तो सुखी देगी। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। ओ टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया। तेरो
श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के सिर पर सुहाना मुकुट मेरा कल वैजयंती माला साजे और भूलनी के हाथ करेगा करे जोर के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के सेवक मोहे कर लियो करो भव सागर का करेगा करे जोर के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के प्रेम सहित जो चरितमानस और श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ प्रसिद्ध कथावाचक और विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष परम श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की अमृत वाणी से मन के विकार दूर होते हैं, चित्त शांत होता है और जीवन को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे महामनीषी द्वारा अपने क्षेत्र में भी विश्व शांति के लिए महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा का आयोजन करा जन कल्याण और विश्व शांति हेतु लिए गए महाराष्ट्र के संकल्प को आगे बढ़ाएं और पुण्य के भागी बने। विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर, समिति मेंबर, कार्यकारिणी मेंबर बनने वह प्रिया कांत जो मंदिर में सहयोग करने हेतु संपर्क करें। शांति सेवा धाम छठी करा वृंदावन रोड मथुरा उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221 0735111333 0735111444 वेबसाइट www.shantisevadham.com एवं www.vsscity.com ईमेल info@shantisevadham.com info@vsscity.com विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बनने, मासिक पत्रिका प्राप्त करने तथा महाराष्ट्र के कथा एवं भजनों की ऑडियो और वीडियो सीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें।
ज्योति म्यूजिक कंपनी।